परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार निमज्जतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलता ना करो अनुग्र सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा, चरण कमल लौलाऊ आदंत करो सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतं सत पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष शेष मुख गावे पूजे आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे, समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। तैतीस कोटि अधारा धावे शेष अठासी, उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। तैतीस कोटि अधारा धावे शेष अठासी, उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरू विनती करूं दरू चरण पर शीश, गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देव सुख। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। कबीर गुरु जी मिलेंगे,
पूछेंगे कुशलात आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। कबीर जय इब कह सतगुरु मिले सब दुख आखों रो चरणों ऊपर शीश धरूं हूँ कहूँ जो कहनी हो। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है सतगुरु आप अलेख सतगुरु रमता राम है या ममीन मेख। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बड़े गोविंद से मन में दिख विचार अरि सुमरे वो रह गए भाई गुरु सुमर हो पार। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देने के लिए वे स्वयं ही आते हैं अपने सतलोक से चलकर आते हैं और वो गुरु की भूमिका निभाते हैं। क्योंकि यदि पृथ्वी पर गुरु होते तो परमात्मा को आने की आवश्यकता नहीं थी। पृथ्वी पर गुरु नहीं थे ये लिटिल नॉलेज वाले गुरु थे नीम हकीम थे। इन्होंने न तो अपने सदग्रंथों को समझा इनके पास वो साधना भी नहीं थी जिससे ये कोई अनुभव ठीक कर सके परमात्मा के विषय में। इसलिए गुरु रूप में परमात्मा स्वयं ही आते हैं और वो अपनी महिमा भी बताने की चेष्टा करते हैं कि मैं परमात्मा हूँ। लेकिन वो हमारे गले नहीं उतरती क्योंकि हमने जो ज्ञान सुना होता है वो अज्ञान होता है। हम परमात्मा को निराकार मान बैठे होते हैं और जिससे भी हम सुनते हैं या कोई उन ऋषि महर्षियों के अनुभव को हम पढ़ते थे तो सभी ने अंत में एक निष्कर्ष दे रखा था कि परमात्मा तो निराकार है उसको देखा नहीं जा सकता केवल परमात्मा का प्रकाश ही हम देख सकते हैं। तो विद्यार्थी की इतनी अकल नहीं होती इतनी बुद्धि काम नहीं करती कि वो टीचर के व्याख्यान पर कुछ टिप्पणी कर सके। यानी श्रोता जो होते हैं वो जिनको गुरु मान बैठे हैं और उनके द्वारा दिए गए प्रवचनों पर वो अविश्वास कभी नहीं करते ये स्वभाव होता है। और अविश्वास करने का उनके पास कोई पैमाना भी नहीं होता जिससे वो ये कह सकें कि नहीं गुरुजी आप ऐसे नहीं ऐसा हमने पढ़ा है। तो जिस कारण से परमात्मा ने अपने आप को एक गुरु सतगुरु के रूप में ही अधिक पेश किया। यदि गुरु होते तो वो गुरु रूप में आए परमात्मा ही होते हैं। तो यहाँ परमात्मा इसलिए कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद जो मिलाए। यानी गुरु रूप में परमात्मा ही हो सकते हैं और बाकी जो गुरु हैं वो तो अलग बात है। कोई मोटरसाइकिल चलाना सिखा देता वो उसका गुरु हो गया कोई गाड़ी चलाना सिखा देता उसका गुरु हो गया
माताएं अपने बेटियों को रोटी पोना सिखा दी वह उनकी गुरु होगी। तो ये गुरु अलग हैं और अध्यात्म जो गुरु है रियल में हमारा वो गुरु है। तो अध्यात्म ज्ञान यहाँ नहीं था और जो सदग्रंथ थे उनको हमारे गुरु जो बने हुए थे या नकली वो समझ नहीं सके, इसलिए परमात्मा स्वयं आते हैं। और फिर वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, अब किसके लागू पाए बलिहारी गुरु आपना चिन गोविंद यो मिलाए। तो वो कहते हैं गुरु को गोविंद को छोड़कर हम गुरु को ही महत्व देंगे। तो गुरु परमात्मा ही हो सकते हैं, बाकी गुरु सभी अपने अपने सत्र के हैं, वो उनका अलग काम है। और जो अध्यात्म मार्ग में ज्ञान दे रहे हैं वो गुरु हैं ही नहीं, वो तो नकली हैं सारे। क्योंकि परमात्मा जो ज्ञान देता है, परमात्मा ने ज्ञान दिया वेदों का, परमात्मा ने ज्ञान दिया गीता का, यानी गीता में जो ज्ञान है वो परमात्मा वाला ही है जो परमेश्वर ने इस ब्रह्म के अंदर फीड किया था और वो वेद जो के तो बाहर निकले थे। उसके बाद गीता जी के अंदर जो इसने ज्ञान दिया है ब्रह्म ने, ज्योत स्वरूपी निरंजन ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल ने जो ज्ञान दिया, उसमें अधिकतर वेदों वाला ही ज्ञान है जो गॉड गिवन है, परमात्मा ने इसको दिया था। उसने कुछ अपनी अटकल इसमें साथ जोड़ी है तो वो हमारे काम की नहीं है। बहुत सी ऐसी गीता जी के अंदर बहुत सा दो तरफा ज्ञान है जो वेदों से मेल खाता है, गीता का ज्ञान वो ओके है, श्रेष्ठ है। और 90% गीता का ज्ञान वेदों से मेल खाता है। तो कहने का भाव ये है कि जो गुरु हैं वो आज तक ना वेदों को समझ सके ना गीता को समझ सके, हमारे जो धर्म गुरु थे, और न ही पवित्र इन पुराणों को समझ सके। तो इस कारण से परमात्मा स्वयं आते हैं और वो ही गुरु होते हैं। और जो गुरु हैं ही नहीं, नाम बेसिक गुरु का उन्होंने रखा हुआ और हमने बेसिक उनको गुरु मान रखा है, वो गुरु नहीं थे। तो यहाँ परमात्मा ही आकर हमें ज्ञान बता रहे हैं। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटते फिर फिरते चारों खान। कबीर चार खानी में भरमते कबू ना लगते पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिख्यो न जाए। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ो उन्हो भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु अग अधीन। परमात्मा ने अध्यात्म मार्ग के अंदर प्रथम जो कड़ी है वो गुरु बताया है, और गुरु के बिना जो साधना करते हैं मनमुखी साधना करते हैं वो साधना नहीं है, उनका व्यर्थ प्रयत्न है। इसलिए गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं से पूछो वेद पुराण। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लाग्या हर की सेव, कहें कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किए
फिर कीनी हर की सेव, कहें कबीर बैकुंठ को चले गए सुखदेव। गुरु की महिमा बताते हुए परमात्मा कह रहे हैं कि सुखदेव नाम के ऋषि को गर्भ में ही माँ के गर्भ में ज्ञान हो गया था कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है, और हम बाहर आकर के अपने मूल उद्देश्य को भूलकर केवल सांसारिक जोड़ तोड़ में इन कोठी बंगले के बनानों में ही अपना जीवन नष्ट करके और एक हारे हुए जुहारी की तरह हाथ मसलते हुए चले जाते हैं। जब हम ये संसार छोड़कर चलते हैं तब हमें सब पता लग जाता है कि हमसे भारी भूल हुई है, हमने वो काम तो किया ही नहीं जो मनुष्य जीवन का करना था, ये तो पशु पक्षियों जैसे ही काम किए और उसी में सारा जीवन नष्ट करके और फूले फिरते रहे। फिर ये वहाँ जाके रोता है जीव धर्मराज के सामने खड़ा होकर के, जहाँ इसका न्याय किया जाता है, इसका हिसाब होता है, तब बहुत रोता है, बहुत पछताता है, इसको पश्चाताप करता है। फिर इसको सब बातें याद आती हैं कि जब तू मानव शरीर प्राप्त करके यहाँ से गया था कितना शुक्र मनाया था भगवान का, और क्या क्या प्रॉमिस किया था भगवान, भक्ति गणी करूँगा और पेट गुजारा तो आपने ही देना है दाता। तो उस समय उसको याद आती हैं वो बातें, पौ फाटी पगरा भया जागी जिया जून, सबका हो को देत है वो चोंच समाना चून। सभी प्राणियों का, जितने भी ब्रह्मांडों के अंदर जितने प्राणी हैं सबका वो परमात्मा पालन करता है और सभी की उसको चिंता है, क्योंकि माँ के गर्भ में जब ये बालक होता है उस समय ना माता सहाय कर सकती है ना कोई पिता का सहयोग वहाँ काम कर सकता है, तो वहाँ पालन कौन करता आपका, वहाँ आपका सुरक्षा करने वाला कौन था। तो वहाँ भी उस परमेश्वर ने ही आपकी सुरक्षा की, आपका पोषण किया, चाहे जुगाड़ कुछ भी जोड़ा उसने, कोई तरीका बनाया, माँ की नाभि से आपकी नाभि जोड़ दी और आपका शरीर पुष्ट हुआ और माँ के गर्भ में आप बहुत दुखी होते हो, ऊपर को पैर होते हैं नीचे को सिर होता है, और बाहर आके आप भगवान भूल जाते हो। कबीर साहब कहते हैं, दुख में सुमरण सब करें सुख मुकुर ना कोए, जय सुख में सुमरण कर तो दुख कहे को होए। परमात्मा याद दिलाते हैं कि जब तुम पर आपत्ति आ जाती है तब तो भगवान दिखाई देता है, और जब तक तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार ठीक होते हैं, आपके पुण्य चलते हैं और आप अपने आप को सुखी महसूस करते हैं, वैसे तो यहाँ सुख है नहीं, हम झूठे सुख को ही सुख मान बैठे। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, जो सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। फिर भी जब तक हम सुखी महसूस करते हैं तो भगवान से कोसों दूर रहते हैं, और भगवान की पूजा कैसी करते हैं, महीने दो महीने छः महीने में कभी इष्ट धाम पर मत्था टेक आए, शुक्रवार मंगलवार को प्रसाद बांट दिया, किसी दिन व्रत रख लिया, और अधिक लोग वर्तमान में तो नास्तिक ही हो चुके हैं, क्योंकि समय पर टोक मिल रहा है, अच्छी व्यवस्था होगी है, शिक्षा होगी है, अच्छी पोस्ट होगी है, खूब परमात्मा ने बुद्धि दे दी अपने बच्चों को, इन्होंने ट्यूबवेल लगा लिए हैं, नहरें अच्छी बना ली हैं, बढ़िया आहार समय पर मिलने लगा, अब भगवान से कोसों दूर हो गए और भूल गए उन दुखों को। परमात्मा कहते हैं, इसे सुख के आग लगे जो भगवान ते दूर करे। परमात्मा कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय तन जावे, और बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम रटावे।
पुराने समय में हमारे पूर्वज बताया करते थे बुजुर्ग कि वर्षा ना होती थी, भगवान को याद किया करते थे। कोई भी दुख आता था भगवान को बैठकर याद करते थे, हमारी आपदाएं टला करती थी। और अब भगवान सौ सौ कोस दूर हो गया, अब तो बिजली याद रहती है, बिजली ना आई ट्यूबल चलाऊं वो भगवान याद नहीं आता। तो परमात्मा कहते ऐसा सुख बाढ़ में पड़ो जिस तो भगवान की भूल पड़े। तो सत्संग में आने से फिर हमें याद होता है कि भगवान की कितनी आवश्यकता है। तो सत्संग में आने से फिर सुखी भी भगवान की भक्ति करेंगे। यदि दुखी व्यक्ति भक्ति करते हैं तो सुख देता है परमात्मा, उसका गुण है। और यदि सुख में ही भक्ति करते रहें तो दुख है ना हो। और मूल काम मनुष्य जीवन का भक्ति ही करना था, वो हम भूल चुके थे। तो इसका ज्ञान संत और परमात्मा ही दिलाते हैं, सतगुरु दिलाते हैं। सतगुरु का बहुत अभाव हो गया और सत्संग सुन सुन कर इंसान बहरे हो गए। इन नकली संतों के अटपट खटिन, उनको बात का पता नहीं, कोई कख इनको पास नहीं। श्रद्धालु उनके ऊपर डिवोट होकर के, समर्पित होकर के अपना जीवन नाश कर गए। इतना बिगाड़ दिया धार्मिक इस मार्ग को, अब सेट करना दास के लिए कितना कठिन हो रहा है। इतने टीवी चैनल चलते हैं, सब पर कोरी बकवाद घड़ी जाती है इन संतों के द्वारा, कख भी पता नहीं, और सब सुन सुन कर बहरे हो लिए और उनको फाइनल मान चुके। तो इसका अब धीरे धीरे निवारण होगा इस संकट का, और सभी शिक्षित हैं। देख रहा है दास के इतना विपरीत मार्ग है समाज के और पूर्व ज्ञान के, और उसके बाद भी कितनी सफलता मिली है, क्योंकि इसमें सत्यता घनी है और सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। वो अपना स्थान बनाया करती है लेकिन उसकी स्पीड स्लो होती है। भले ही धीरे धीरे चलेगा लेकिन ये सफल होगा। एक दिन पूरा विश्व इस ज्ञान को और इस भगवान को स्वीकार करेगा और उद्धार होगा, सुखी होंगे। तो प्रसंग चल रहा है कि जब ये भगवान के दरबार में पहुंच जाता है तब इसको सारी बात याद आती है। जब वहाँ से चला था, मनुष्य जीवन पाकर आते हैं तो सभी उसके साथी बधाई देते हैं कि मेयर होगी भगवान की तेरे पे। और भगवान ना बोलिए, घनी भक्ति करिए, पीछा छुटवा के आना इनके। तो वहाँ से हम भी बहुत खुश होते हैं कि परमात्मा इनको और काम में नहीं करूँ, आपको याद करूँगा। और आप जो मस्तिष्क में लिखा वो तो आप देते ही देते हो, ये तो विधान है भगवान का। और पेट गुजारे के लिए आवश्यक काम करूँगा, बाकी समय में आपको याद करूँगा। तो यहाँ आने के बाद इसको इतनी भूल गिर देता है ये काल कि ये पिछला सब भूल जाता है और नए सिरे से इसकी पढ़ाई शुरू होती है। ये तेरा चाचा या तेरी चाची, यो तेरा मामा, यो तेरा बुआ, तेरी बुआ, और इस तरह से फिर इसको पढ़ा करके ये संसारिक ये मंत्र माया कैसे इकट्ठी करनी चाहिए, बड़ी कोठी बना ले बड़ी इज्जत हो जाएगी, तो ये नए मंत्र सिखाए जाते हैं इसको। और जब ये सत्संग में आता है तो इसको पता चलता है कि एक काम और आवश्यक था इस मानव शरीर का जो शुरू भी नहीं किया। तो वहाँ से परमात्मा के दरबार में जब ये जाता है इसको सारी बात याद आती है, और फिर ये हाथ जोड़ता है धर्मराज के सामने कि हे महाराज, एक मनुष्य जीवन और दे दो, अब के कति नहीं बोलूँगा। धर्मराज फिर उसकी पिछली हिस्ट्री चालू कर देता है, असंख्य जन्म हो गए हमने मानव शरीर प्राप्त किया, नए बकवादों में खोया, और वहाँ जाके फिर नए रोया। तो वो उसकी थोड़ी सी क्लिप दिखा देता है कि ले, तू तो झूठा बहुत है, और पहले भी ऐसे प्रॉमिस तूने किए थे, एक पूरा नहीं करा। उसकी पिछली फिल्म चला देता, देख इस जन्म में मनुष्य जीवन मिला, क्या कह रहा है तू, और क्या कर रहा है जाके नीचे, और आके फिर क्या कह रहा है, एक जन्म और दे दो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक मिनट के अंदर उसको हजारों मनुष्य जन्म दिखा देता है कि गधे तू ऐसी बकवास करता है, यहाँ अगर तेरी समझ में आ जाती है वहाँ तो सुनता नहीं, भाग यहाँ से। उसको गधे की योनि में ठोक दिया जाता है। तो पुण्यात्माओं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। अब वो शंका भी समाप्त होगी है, कोई नौका किसने देखा है, भगवान ने बताया करके ये। और इसमें भी कोई यूं कहे कि किसने देखा देखी जाएगी तो वो तो नालायक आदमी, पत्थर है, इंसान नहीं, वो शैतान है। कहते हैं
जब माँ के गर्भ में तू रो रहा था, परमात्मा ने तेरी पुकार सुनी और ठीक ठाक तेरा शरीर बाहर कर दिया, और बाहर आके अब तू भूल गया। कहते उस समर्थ की रीज, उस समर्थ की रीज भुलाई, अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। परमात्मा कितने प्यार से समझाना चाहते हैं, भूल गए उन दिनों को, उस समर्थ की रीज छुपाई, उस परमात्मा ने तेरे ऊपर रहम किया, खुश हुए और तेरे को मनुष्य जीवन देकर माँ के गर्भ से संकट से बाहर निकाला, नहीं तो बहुत से बच्चे गर्भ में मर जाते, माँ भी मर जाती साथ में। उसकी मेहर से ही तुम ठीक ठाक यहाँ बाहर जन्म लेते हो, और आज भूल गया उन भगवान की उन बातों को कि गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। तो पुण्यात्मा, दुख में सुमन सब करें, सुख में करें न कोई, और जय सुख में सुमण करे तो दुख का ही कोई। तो सौभाग्य उन पुण्यात्माओं का जो यहाँ आए हैं, जिनके ऊपर कोई आपत्ति है। दास यहाँ देख रहा है कि 80% 80% व्यक्ति भक्त श्रद्धालु केवल दुखी ही आए हैं, कोई रोग से दुखी है, कोई और अन्य शोक है उसको, या कोई अन्य प्रॉब्लम उसके ऊपर आई हुई है। तो आपके लिए वो दुख, आपके लिए वो प्रॉब्लम, आपके लिए वो रोग एक वरदान सिद्ध होगा यदि इस मार्ग पर आप डटे रहे। देखो, एक दिन में कोई वस्तु परफेक्ट नहीं होती। बच्चा जन्म लेता है, आपको खुशी होती है, धीरे धीरे बड़ा होता है, 15-16-20 वर्ष के बाद जाकर वो कुछ अपना धंधा करने योग्य होता है। इसी प्रकार आप बीज बोते हो, मान लीजिए आपने आम का बीज बोया, उसकी परवरिश की, देखभाल की, पौधा बना, फिर पेड़ बन गया, और पेड़ बनने के बाद फिर उसका फल लगेंगे, इतने फल लगेंगे कि लदपद हो जाएगा, आप भी खा लोगे, रिश्तेदार भी छक लेंगे। ठीक इसी प्रकार आज आपको, जिनको आज मंत्र मिला है, उन्होंने आज ये सत भक्ति रूपी पौधा, आपने आज बीज बोया है इसका, और इसकी सिंचाई करना यानी भक्ति करना, दान धर्म करते रहना, मर्यादा रखना, इसकी बाढ़ बनाना, बाढ़ बनाने का मतलब है मर्यादा रखना, नियम भंग मत करना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे मूल को फूल फले। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, समय आए फल होए। जैसे माली का मतलब है जो उस प्रोसेस से परिचित, उसका विद्वान है, बाग बगीचे लाने वाला, वो बीज बोता है और उसमें सैकड़ों पानी घड़े डालता है, वाटर पानी के, और धीरे धीरे वो बड़ा होता है। उसको मालूम है, उसको 100% ज्ञान है, वो पूरा उसके ऊपर विश्वास है उसको कि एक दिन ये पेड़ बनेगा, अगर मैं इसकी सुरक्षा ठीक रखूँगा, इसको रोग से बचा कर रखूँगा, और बड़ा होए पाछे फिर देखना मेरे वारे न्यारे कर देगा। तो ठीक इसी प्रकार ये राम नाम का आज ये सच्चा बीज बोया है। आज तक तो आपको आम का नाम लेकर बबूल का बीज बुआ रखा था, और उस बबूल यानी किक्कर की डंडी की आप खूब सेवा भी कर रहे थे, तो बबूल कहता बबूला लगेंगे, आम नहीं लग सकते। भक्ति भी करते थे, ऋषि महर्षि भक्ति खूब करी, जीवन गाल दिए, अब राज भी त्याग के भगवान के लिए जंगल में जा बैठे, लेकिन वो आम का पेड़ ना होने से, आम का बीज ना बोने से, बबूल का बीज बो लिया, उनमें सिद्धियाँ आ गई। आन उपासना करते रहे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके, काल भगवान ब्रह्म या ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति करके, उन्होंने बबूल का बीज बो के बबूल ही प्राप्त किया।
उदाहरण के लिए अरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की साधना करके बबूल का पेड़ बोया और क्या मिला उसको, सिद्धियां आ गई। ये समझ बैठा कि मैं भगवान बन गया और कैसा जीवन नाश हुआ उस व्यक्ति का। ऐसे ही रावण ने बबूल बोया था भगवान शिव की भक्ति करके और क्या प्राप्ति हुई, सिद्धियां होगी, रिद्धि आ गई, सोने के महल बना लिए, आकाश में उड़ जाने की शक्ति आ गई और कुबद कुमा कर सर्वनाश करा के गया। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार विष्णु जी की साधना करने वाले ये भी शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपना जीवन नाश करते हैं, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न सुख होता है न कोई सिद्धि होती है, यानी सत साधना की सिद्धि, और न ही उनको कोई उनकी गति होती है, जिस कारण से ये भक्ति करके भी अपना जीवन व्यर्थ ही कर गए। तो ये प्रश्न चल रहा है कि धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ हो, आज नाम लिया है, किसी ने 6 महीने हो गए, किसी ने सतनाम मिल गया है, किसी को प्रथम मंत्र मिला है, और किसी ने 10 महीने हुए हैं, किसी ने 1 वर्ष हो गया, किसी ने 2 के, जिन भक्तों को 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया, 2 वर्ष हो गए हैं, आज उनके सुख सुनना, उनके मुंह का थूक सूख जाएगा अपने सुख बताते बताते, इतने सुख देता है परमात्मा। और कुछ अनजान कहते हैं, जी मैं 4 बार आ लिया गण्या, कोई लाभ सा विशेष नहीं हुआ, ये उसके लिए प्रार्थना है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गड़ा, समय आए फलो। और दूसरा कारण ये होता है, सतगुरु के दरबार में भाई कमी काहे की ना, अनसा मोज नहीं पावता है तेरी चूक चाकरी। इस सच्चे दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। यदि आपको कोई राहत परमात्मा से नहीं मिल पा रही है तो आपका कनेक्शन ठीक नहीं है। अपने आत्माओं, जैसे एक मेन लाइन आई है बिजली के तारों की और वहां से पूरी कॉलोनी को कनेक्शन मिला हुआ है, और किसी एक व्यक्ति का पंखा नहीं चल रहा या मोटर नहीं चल रही या कोई भी आइटम नहीं चल रहा, तो उसका कोई और कारण हो सकता है, या तो पंखा खराब हो सकता है या मोटर खराब हो सकती है, उसको चेक कराओ। और सारा ही व्यवस्था नहीं चल रही कोई भी, तो आपका कनेक्शन ठीक नहीं है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी हम गलती करते हैं कि मर्यादा ना रख के भगवान का हम आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाते, जिस कारण से आप जी का वो कनेक्शन कट जाता है। कहते परमात्मा कहते, औखद खावे और पत्थर है, औखद खावे और पत्थर खाए, और तब पावे मोक्ष। जैसे दवाई लेते हैं, औषधि लेते हैं, तो उसके साथ कुछ परहेज भी होते हैं। तो इस मार्ग में परहेज कंपलसरी है, परमात्मा के इस मार्ग में। और परहेज वही है जो हमने वैसे ही ना करने चाहिए, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू अन्य देवताओं की पूजा, ये तो वैसे ही ना करनी चाहिए, बताओ और परहेज क्या है। तो इस करके ये तो अवश्य रखने ही पड़ेंगे यदि आपने भगवान से लाभ लेना है और मोक्ष प्राप्ति करनी है। तो कहने का भाव ये है कि नाम जिन्होंने ले लिया, धीरे धीरे सब काम होंगे, थोड़ा समय दो दाता को, इतने उतावले ना हो। जैसे एक कहता है, जी मैंने नाम लिया मेरा सारे सुख हो गए, तो इसके, और दूसरा कहता जी मैं 4 बार आ चुका हूँ, अभी तक विशेष राहत मिली नहीं है। पुणात्माओं, ये परमात्मा का मार्ग है, इसके लिए आपने ये ध्यान रखनी पड़ेगी जो बातें दास बता रहा है। अब जैसे किसी का कोई रोगी है और उसको एक्सीडेंट हो गया किसी का, और उससे ब्लड निकल रहा है रक्त, और उधर से टांग टूट गई, उस पीड़ा भी बहुत घनी हो रही है, तो डॉक्टर सबसे पहले उस स्थान को ऑपरेशन या किसी कारण से ठीक करेगा जहाँ से ब्लड निकल रहा है।
अगर उसका ब्लड निकल गया तो नाश मृत्यु हो जाएगी, और वो उस तरफ ध्यान नहीं देगा कि टांग टूट रही है और ये रो रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे पीड़ा है। डॉक्टर इलाज भी कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि डॉक्टर का जानना कोई नहीं, मैं मर गया, मेरी तो टांग टूट गई। लेकिन डॉक्टर पागल नहीं है, डॉक्टर पहले देख रहा है कि ये करना आवश्यक है, ये टांग तो बाद में जुड़ जाएगी, इस तरह मरे नहीं गा ये। तो इसी प्रकार आपके जिन्होंने दीक्षा ले ली है और जिनके ऊपर कोई ऐसी आपदा आनी है कि आपकी मृत्यु होनी हो, तो पहले परमात्मा उस मृत्यु को रोकेगा, बाकी संसारिक सुख तो फिर आपका ढेर लगा देगा, आपका जीवन एक्सटेंड हो गया था। तो इस बात को आप ध्यान रखना, यह कोई बालकों का लेख नहीं है, और इतने एक मनुष्य जीवन का मिलना हंसी खेल नहीं है, एक सांस भी मनुष्य जीवन की मिलना आपको बालकों का खेल नहीं है, और ये आपको 100-150 वर्ष एक्सटेंड कर देता है ये परमपिता, ये पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्मा इन बातों पर ध्यान रखना जो दास आपको गाइडलाइन बता रहा है। तो इस प्रकार जिनको राहत नहीं मिल रही है वो ये ना सोचो भगवान का ऑपरेशन चालू नहीं है, आपके उन संकट निवारण के लिए परमात्मा उसी दिन सक्रिय हो जाता है जिस दिन आप इस ज्ञान को पढ़कर या ज्ञान को सुनकर और हृदय से पुकार लेते हो, परमात्मा हम आपके हो लिए, आपके बगैर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, और कब बुलाओगे, उसी दिन से परमात्मा आपको अपना मान लेता है, क्योंकि ये आत्मा का साथी है, आत्मा इसका अंश है, चाहे वो किसी धर्म में है, चाहे किसी मजहब में है, या किसी प्राणी के शरीर में है, कुत्ते गधे सूअर के शरीर में है। तो ये परमात्मा उसी दिन से आपको स्वीकार कर लेता है यदि आप हृदय से पुकारते, और जिसमें नाम ले लेते हो फिर तो बातें खत्म हो जाती है कि आपके कोई सुनवाई ना हो या आपके संकट दूर ना हो। उसके लिए यही कारण हो जाता है कि परमात्मा पहले वो संकट टालेगा जो तेरी जान को जोखिम करेंगे, आपको जीवन एक्सटेंड करके फिर धीरे धीरे तेरे सारे आपके सभी कार्य आवश्यक कार्य जो होंगे सारे ठीक करेंगे। देखो ये भक्ति मार्ग है, यदि आप यहाँ आते हो बरवाला आश्रम में तो आपको सबसे पहले ये उद्देश्य बनाना होगा कि मुझे मोक्ष चाहिए। और जो ये कहते मैं फैक्ट्री लाऊं, मैं मंत्री बनूं, MLA बन जाऊं, मेरा आशीर्वाद दे दो गुरुजी, देखो ये आशीर्वाद यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो भगवान से दूर करेंगे आपको, और हम ऐसा विष आपको खिला नहीं सकते जो आपका जीवन को हानि कर दे, डॉक्टर ऐसा अनजान नहीं होता। इसका कारण ये है कि जैसे कोठी बंगले आपको देवी देगा भगवान, तो आप परमात्मा से कोसों दूर हो गए। और फिर क्या बताते हैं, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रण धीरम, एक पलक में राज विराजी वो जम के पड़े जंजीरम। सारी सोने की लंका बख्श दी थी उसको, सारा लंका सोने की बनाए बैठा था, और उस समय तो कई कई हजार, 20-20, 30-30 हजार उम्र वर्ष की उम्र होती थी। तो उसकी उसने तो आपको सोचना कोई बड़ी बात नहीं थी कि अभी ना मरूं, 30-40 हजार वर्ष जीऊंगा, क्योंकि सतयुग में लाख वर्ष की आयु होती है, और त्रेता में भी सटाट के अंदर 40-50-30 और लास्ट में कम हो जाती है। तो रावण के मन में ये खरपतवार पैदा हो जाना कि अभी नहीं मरूंगा, ठाठ तो कोठी बना ली, दो कोई 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 मंजिल की अटारियाँ बना रखी हैं, जैसे आजकल ये 20-20, 30-30 मंजिल के बनाते हैं मकान, वो तो 100-100 मंजिल के बनाए बैठा था, 200-200 के, इतना कुबद्दी था। और सारे सोने के ईंट और गारा सोने की, लिपाई सोने की, और उसने भी ये सोच रखा था भी नहीं मरूँ, ऐसा बक्कल उतरा सह परिवार नष्ट हो गया। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं कि क्या मांगों कुछ थिर न रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। परमात्मा कहते क्या मांगू, हमें बताते हैं कि क्या मांगोगे, रावण जितने धनी भी नहीं हो सकते, अरे ऐसे शक्तिशाली सिद्धि युक्त भी तुम नहीं हो सकते, और उसकी क्या दुर्गति हुई, और क्या मांगना चाहिए परमात्मा से।
भगति दान गुरु दी जियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलू नहीं करूं पद सेवा हो। और फिर क्या मांगे, साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समाए, हम भी भूखे न रहे अतिथि न भूख हो जाए। इससे अधिक मांगने की आवश्यकता नहीं भगवान से। अब परमात्मा ने सारा पता है कि इस बच्चे को क्या आवश्यकता है और कौन सा देना वस्तु देना अनिवार्य है, हर कौन सी वस्तु ये मांग रहा है इसके लिए ये फायदेमंद है कि नहीं। जैसे डॉक्टर के ऑपरेशन यानी उपचार के अंदर रोगी ने अपनी नहीं चलानी चाहिए, डॉक्टर की ही चाल है, जब डॉक्टर होगा तो सही हो। और डॉक्टर के उपचार के अंदर बीच में कोई टांग अड़ाता है अपनी कि नहीं निमत ऐसे कर तो ऐसे कर तू वैसे करवा ले, लेकिन उसे लाभ कुछ नहीं होगा, वो रोग नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से आप जिस दिन यहाँ आ जाते हो आप उपचाराधीन हैं और आपका रोग कौन सा है, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग यारे जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। कौन सा रोग भाई, जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी, आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया ना तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया ना तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोग योरे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे इन झूठों जगपति आसी, साचा सतगुरु कोई न पूजे इन झूठों जगपति आसी, झूठ अंधे की बा गई अंधे ने ये मार्ग कौन बतासी, ही जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। तो इसमें ये स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि आपको कौन सा रोग है, क्या बताया है कि जन्म मरण का रोग लग गया है और यह तृष्णा बडरी खांसी और आवागमन की, ऊपर जाओ फिर वहां से अपना हिसाब करा के नीचे आओ, मनुष्य बनो गधे बनो कुत्ते बनो फिर अपना टाइम पूरा करो फिर जाओ, फिर वहां से नेक्स्ट आदेश हो गधा बन गधा बनो फिर जाओ, फिर आदेश बने कुत्ता बनो कुत्ता बनो, मनुष्य बनो देवता बनो फिर राजा बनो फिर गधा बनो। कहते ये आवागमन की डोर गले में या काल के कर्म की फांसी आपके लगी हुई है और इसको केवल परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त कोई ऐसा भगवान नहीं है, देव नहीं है जो इस रोग ने काट सके। तो उसको काटने के लिए परमात्मा ने एक विधि बता रखी है,
और वह विधि अभी तक छुपा रखी थी, क्योंकि परमात्मा का और काल का एक प्रॉमिस हुआ था, अनुबंध हुआ था। इस काल ने कहा था कि 3 युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में हे परमात्मा आप थोड़े जीव निकालना और चौथे युग कलयुग में आपको इतने ही ले जाना। काल को पता था कि कलयुग में इनकी पिछली बैटरी कति डाउन हो जाएगी, पुण्य कर्म कति खत्म हो जाएंगे सतयुग त्रेता द्वापर में। सतयुग त्रेता द्वापर के अंदर आप वीर आप रहे हैं, और वो कौन सी आत्मा है जो सतयुग त्रेता द्वापर में सतयुग से शुरू होती है मानव शरीर प्राप्त करके? वो आत्माएं होती हैं जो कभी इस कलयुग के इस समय में जो आज आपको टाइम मिला है, ये बिचली पीढ़ी का समय यानी मध्य का समय है कलयुग का, इस सत भक्ति का। प्रथम चरण तो कलयुग का था, परमात्मा आए थे, सहश्रीर आए थे, सहश्रीर कबीर परमेश्वर चले गए थे मगर से। अब ये बिचली पीढ़ी है जो अब स्टार्ट हुई, इसमें कंप्लीट कोर्स है भक्ति का और निरसंशय है, कोई डाउट नहीं, सब प्रमाणित है। अब जो भक्ति करेंगे वो पार हो जाएंगे, मर्यादा में रहेंगे अंतिम सांस तक, वो तो सतलोक चले जाएंगे। फिर क्या होगा, 1000 वर्ष के बाद इस भक्ति में बहुत से ऐसे नालायक काल के दूत घुसेंगे, वो धीरे धीरे इनकी भक्ति खराब करवाना शुरू करेंगे। और उस समय जो सत भक्ति जितने समय वो कर चुके हैं उसके बाद मार्ग दिशा बदल ली, उनके साथ के बनेगी कि जैसे पुण्यात्माओं एक श्वास के मंत्र का जो इस दास से प्राप्त करके आप एक श्वास भी मंत्र का ले लेते हो सतनाम का, वैसे तो प्रथम मंत्र से ही आपकी गजब की कमाई शुरू होती हो जाती है, बहुत ज़्यादा बन जाती है। और यदि सतनाम का मंत्र भी आपने साल 2 साल 3 साल 4 वर्ष कर लिया और सारनाम ना भी मिला तो भी आपकी ढेर सारी कमाई बन जाती है। और फिर काल क्या करेगा, क्योंकि आपके पुण्य तो वो देगा, उसने तो ऊपर होटल बना रखे हैं, स्वर्ग महास्वर्ग, महास्वर्ग में और ज़्यादा टैक्स है देता हुआ आपसे, आपके पुण्यों से कहीं 20% 25% कहीं पर 10% ऐसे उसने अपने टैक्स लगा रखे। और जो खर्चा आप खाते हो वो अलग है, वो तो आपकी पूंजी से होगा, तो आपको स्वर्ग महास्वर्ग में रख देता है और वहाँ आपके पुण्य आपके साथ होते हैं। जब महास्वर्ग के अंदर आपके पुण्य खत्म हुए उसके बाद स्वर्ग में ले आता है, नीचे एक अलग से एक स्वर्ग है, उस महास्वर्ग से अन्य जो कॉमन स्वर्ग है उसमें भी जब आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं फिर आपको पृथ्वी पर डाल देता है। तो वो पुण्यात्मा इतना समय वहाँ रहती हैं स्वर्ग में महास्वर्ग में, फिर उनको सतयुग में प्रारंभ में जन्म देता है। इस भक्ति युग में की हुई भक्ति उनकी इतनी प्रबल हो जाती है कि फिर वो सतयुग में प्रथम जन्म लेते हैं। उनकी फिर भी इतनी भक्ति होती है क्योंकि सतयुग में लाखों वर्ष का जीवन होता है, एक का जीवन पूरा करते हैं, इतने युग एक दो जीवन में वो सतयुग पूरा हो जाता है। फिर त्रेता में आते हो आप वही हो जो पहले भक्ति लगे थे, लेकिन आप फिसल गए, आप रिपट गए, विचलित हो गए किसी कारण से। और परमात्मा का विधान है, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक बार सच्चे नाम से आज कोई जुड़ जाएगा, आज उसने नाम ले लिया, कितना रोगी है और चाहे उसकी कल मृत्यु हो जा, नाम लेते भी हो जा, तो अभी परमात्मा अपने बही में लिख लेगा उस आत्मा को कि मेरी होगी भैया। अपने आत्माओं हमने असंख्य जन्म बर्बाद कर दिए, असंख्य जन्म मनुष्य के खो चुके हो आप, ये पहला शरीर नहीं जागा जो आज आपका जाने वाला है, मान ले कभी भी, ये तो असंग बर्बाद हो लिए। तो कपड़े हैं, कुर्ते पजामे हैं, तो आपकी जो शरीर बॉडी ऊपर का, और इस नाम के लेते ही आपके कई सैकड़ों कुर्ते पजामे खुटियां व अलमारी में रख दिए जाते हैं। मनुष्य आज आपको नाम लेते ही
और चाहे अगले पल मृत्यु हो जाती है। वैसे तो ऐसा नहीं होगा, जो सच्चे दिल से आते हैं उनको राहत मिलती है, उनका मनुष्य जीवन एक्सटेंड होता है, आयु भी बढ़ाता है परमात्मा। एक उदाहरण के लिए कहते हैं कि जो अविश्वास रूप में भी आके नाम ले लिया, अब देखेंगे किसी के कहने से आते हैं रोगी बहुत से, तो देख लेते हैं एक बार चल कर, तो वो उनको भगवान वैसे उसको एक्सटेंड नहीं करेगा, उनका पता है कि इसको मैंने जीवन भी दे दिया, यू आगे फिर वो बकवाद करेगा। तो परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी है कि इसका उद्धार क्यों कर होगा। तो नाम लेते ही यदि उसकी मृत्यु भी होगी तो भी भगवान के अकाउंट में आ गया, और 10 महीना में फिर जन्म देकर उसको फिर बरवाला बुला लेगा, वह शुरुआत होगी उसके जीवन की। तो यहाँ आने वाले व्यक्ति को हानि कति नहीं है, और कति ज्ञान सुनकर समर्पित हो कहोगे तो आपकी कैंसर के कैंसर का बाप भी ठीक हो जा। भगवान किसे कहते हैं, वाह भाई वाह। यहाँ पर कम से कम लाखों भक्तों के कैंसर तक के रोग ठीक हो चुके हैं, जिन्होंने समर्पित भाव से परमात्मा पर विश्वास करके नाम लिया और मर्यादा निभाई। क्योंकि दुखी आदमी मर्यादा खूब निभाता है, सुखी तक गड़बड़ कर देता है, समाज को गणा देखे उसने तो अपनी जान दिखाई देती है, तो उस पर जल्दी राजी हो है भगवान, जल्दी प्रसन्न होता है, उसका जीवन भी बढ़ावेगा और उसको रोग से मुक्त भी करेगा। लेकिन करेगा अपने हिसाब से, उसकी नीत देख के कि आगे कहीं और गड़बड़ ना कर दे। तो कहने का भाव जो प्रसंग हमारा उसी पढ़ाते हैं। तो परमात्मा से जो हम मांगते हैं वो यही मांगनी चाहिए कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब सुमावे, हम भी भूखे ना रहें और अतिथि न भूखा जावे। तो यहां आने वाले भक्त को लगभग 80% व्यक्ति जो हैं ये दुखी आते हैं, और उनके लिए वो दुख एक वरदान बनेगा, एक वरदान सिद्ध होगा उसके लिए। तो आपके लिए प्रार्थना है कि परमात्मा पर विश्वास रखना और कुछ समय देना भगवान को। और दूसरी बात यह है कि आज जो प्रसंग चल रहा है कि लाखों वर्ष सतयुग में आपने लाख वर्ष का जीवन भी प्राप्त हुआ, और वो भी थोड़ा लग गया मरने लगे जब ने सोची कि और भी भगवान थोड़ा सा समय दे दे। त्रेता में हजारों वर्ष का रहा, द्वापर में भी 800-900 वर्ष तक जीवन रहा है जीव का, और कलयुग में अब 60-70-80 वर्ष हम मुश्किल से जी पाते हैं, 90 वर्ष हद कोई पकड़े मुश्किल से। अरे इसको ये तो थोड़ा मानना है कोई बड़ी बात नहीं, हमने लाख वर्ष का भी जीवन थोड़ा माना और वो भी अंत हुआ। ये जीवन तो अंत होगा ही होगा, ये तो फाइनल समझ लो, ये तो आपने पता है इस बात का। लेकिन मरना हम चाहते नहीं, वो बात अलग है कि अभी नहीं, अभी नहीं। जो मर चुके हैं वो भी ये सोचा करते अभी नहीं। कति स्वस्थ व्यक्ति और खूब फैक्ट्री लाग ली, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की कमी नहीं, अपने ही हेलीकॉप्टर से मृत्यु को प्राप्त हो गया एक्सीडेंट होने से, और अब क्या बनेगा, गधा बनकर घूम रहा होगा। मृत्यु वो भी गया या मृत्यु को अचंभा नहीं है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन इस मृत्यु को से बचने के लिए अब तरीका है माल की शरण में आओ। कबीर ये तन जाएगा सके तो ठहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की फिर गोविंद के गुण गा। कबीर साहब कहते हैं ये मनुष्य जीवन तो सबका जाना है और समय पर जाओगा, जितना आपको प्राप्त है उससे अधिक नहीं मिलेगा। एक प्रियव्रत नाम का राजा था, उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया और 11 अरब वर्ष तक उसको राज्य मिल गया। तप से राज्य प्राप्त होता है। अब 11 वर्ष अरब राज्य करके जब वो मरण लग गया, 11 अरब वर्ष तक राज भोग के, इतने ठाठ माना हम तो राजा के, मरते समय जब यम के दूत उसको लेने आए तब उसने एक का प्रार्थना की कि मुझे कुछ श्वास और दे दो। बता 11 अरब वर्ष में तो कला तोड़ा नहीं, ये कुछ सांसों में तो कला तोड़ देगा।
यम के दूत कहने लगे, खबरदार तेरे ताई एक भी सांस लेने का आदेश नहीं है। और टीटी भी पकड़ लेंगे, गुद्दी पकड़ कर घसीट लेंगे उस राजा को। और यहाँ परमात्मा क्या कहते हैं, जम जो राजा से डरे और मिट कुर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। मासा घटे न तिल बधे विदना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर वही ऊपर मार दे मेख। क्या कहते हैं भगवान कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो मेटे जम तल बाणे नु। क्या बताया भगवान ने अपनी महिमा में कि उस सतगुरु पर बलिहारी जाऊं जो यम के तलबाने यानी तलब किया जाए यम के दूतों यमराज के द्वारा, जिसको बुलाया गया है और यम के दूत लेन आगे कहते हैं उसको वापस कर दे, भाग जाए यहाँ से, जागे नहीं आएगा, यह हमारा बच्चा है, तुम इसके निकट नहीं आ सकते। यानी उसकी उम्र बढ़ा दी, कर्म की रेख काट दी, मिटा दी, वो अंत था वो समाप्त कर दिया और आपकी आयु एक्सटेंड कर दी, बढ़ा दी। अब आप बालक हो, आपको मालूम नहीं कि कितना कीमती है मनुष्य जीवन, एक सांस की क्या कीमत है। कबीर साहब कहते, कहता हूं कही जात हूं और कहूं बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है वही तीन लोक का मोल। मनुष्य जीवन का श्वास कितनी कीमत है इस श्वास की, और हम इसको कैसे बर्बाद कर रहे हैं। और उस श्वास को प्रियव्रत ने प्रार्थना की के, और भगत भी था वो पहले जीवन में, तो नहीं मिला, एक श्वास भी नहीं मिला। और यहाँ आपको इतने श्वास बढ़ा देगा आपकी गिनती भी नहीं होगी, ऐसा समर्थ भगवान आपको मिल गया है। तो कहने का भाव ये है कि जो सतयुग में जो पुण्यात्मा आप ही में से, फिर क्या जो पार नहीं हुई वो यहीं भटक रहे होंगे, और सतयुग में फिर जन्मे वो पुण्य खत्म हुए, जितने पुण्य खत्म हो जाएंगे उसी प्रकार वातावरण बदलता जाएगा संसार का। सतयुग में क्या था, इतना मजबूत शरीर होता था, पृथ्वी के ऊपर फल लदे लद पद रहते थे, और बाग बगीचे बहुत गुणे, बनों के बन, केड़ों के बन, आमों के बन यानी अंगूरों के बन ऐसे होते थे। और ये जो अन्न है, गेहूं बाजरा ज्वार, जैसे सामक आपने देखा अपने आप उग जाता है, अपने आप परिपक्व हो जाता है, ऐसे खड़े रहा करते, कोई अभाव नहीं था, लाए तोड़ के और झाड़ के धर दिए और पका के खाओ और भक्ति करो, कोई कम मन ही था। फिर धीरे धीरे पुण्य समाप्त हुए, वह सुविधाएं भी कम होती चलेगी, त्रेता में आए। त्रेता में आपको हजारों वर्ष का जीवन जीने को मिला, वो भी थोड़ा रहा, क्योंकि मृत्यु अच्छी चीज नहीं है। और यहाँ कंपलसरी, यहाँ तो अच्छी चीज रहेगी ही नहीं। और हम यही डिमांड करते हैं कि हमें अच्छी चीज मिले और कदे ना कभी समाप्त ना हो। अब बेटा बेटी हुए, हम कितने खुश हैं, बिल्कुल सही है। और हम अपने बच्चों के साथ रहें, कितने अच्छे लगते हैं, इन्हीं के लिए हम सारा दिन मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, इनको सुखी रखना चाहते हैं। और ये मृत्यु हो जाती है एक मिनट में, बच्चे ही मर जाते हैं, बाप माता पिता दोनों मर जाते हैं इकट्ठे, पूरा परिवार नाश हो जाता है। तो व्हाट इज दिस, यो लोक है, ये संसार है जहाँ आप रह रहे हो। ठीक है, अभी तक आपको ये पता ही नहीं था कि इसके अतिरिक्त भी कोई स्थान है, तो ये भगवान ने आके बताया है। और कुछ अपने गवाह भी तैयार कर गए, वो कच्चा काम नहीं करते, अपना उन्होंने गवाह भी तैयार कर गए, जिन महापुरुषों को उस स्थान पर लेकर गए जो सुख में सथल है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। परम शांति वहाँ होगी जहाँ मृत्यु नहीं है, और जहाँ मृत्यु है वहाँ शांति किसी। अब चाहे प्रधानमंत्री बन रहा है बाप, और बेटे का तकलीफ हो जा या एक्सीडेंट हो जा,
जब वो सुनता है ना एक्सीडेंट हो गया, कलेजा न्यू करे उसका, और क्या 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 हुआ क्या हुआ, जब न्यू कह लेना बच गया, जब शांति हो है। तो यहाँ कोई जीवन है या शांति है? हम सोचे हैं राजा सुखी, पूरी पृथ्वी का राजा भी महादुखी है इस लोक के अंदर। तो सुख कहाँ है वो बता दिया भगवान ने कि सतलोक में है, जहाँ आप पहले रहा करते थे, उस सुख को आप यहाँ खोज रहे हो। जो बूरा की मंडी में सुख था, वो नमक की मंडी में नहीं हो सकता। उस कीटी को, उस कीट को, उस कीड़े को, जो खांड की बोरी से उठकर और किसी ने उठाकर नमक की बोरी में मंडी में डाल दिया, तो वह सारा एक वही है, लेकिन कलर एक जैसा है। तो ये काल जो है, ये भगवान जरूर कहलावा है, लेकिन ये भगवान नहीं है, ये सुखदाई नहीं है। तो उस सतलोक की और यहाँ की एक जैसी रचना है, ऐसे मनुष्य वहाँ है, ऐसी सृष्टि जो की तू है। आप पहले वहाँ रहा करते थे, चीटी तो लेकर हाथी तक, जितने भी असंख्य प्राणी हैं यहाँ पर, वो इतना बड़ा लोक है। और आप एक परिवार की वहाँ इतनी स्थान है, ऐसे हरे भरे बाग, ऐसे सदाबहार बाग आपके आंगन में लगे रहते हैं, बड़े बड़े महल हैं तेज पुंज के बने हुए, जैसे यहाँ मिट्टी है, पांच तत्वों से बना सारा कुछ, पेड़ भी पौधे, वहाँ एक तत्व से बने, नूर तत्व से। और उसको छोड़कर आप यहाँ आ गए, आप यहाँ खोज रहे हो सुख के, काम करूँ नहीं और सुख गणा हो, बैठे बैठे सारा कुछ मिले, ये तो वहाँ मिल जाएगा। तो इसकी नकल काल न करा कि स्वर्ग और महास्वर्ग, अब वहाँ आपको बैठों को जरूर मिलेगा स्वर्ग महास्वर्ग में, लेकिन पूंजी आपकी ख़त्म हो रही है। और वहाँ पूंजी बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आप अपने बाप के घर पर हो गए, बाप के घर पर कोई किराया थोड़ा देना पड़ता है, वो परम पिता है हमारा। तो वहाँ, तो यहाँ स्वर्ग में जो पूंजी ख़त्म हो जाएगी, आपको फिर पृथ्वी पर पटक देगा झाड़ा लेकर के, आपको चूस कर, आपके पुनों को ख़त्म करके यहाँ पटक देता है। और वहाँ कभी पुन ख़त्म होते ही नहीं, जो प्राणी वहाँ जाएगा वो पुनों से इतना परिपूर्ण पुनः हो जाएगा इस भक्ति, सत भक्ति से, और फिर अपने भगवान के पिता के घर चले जाएंगे, फिर वहाँ समस्याएँ समाप्त हो जाती है। तो ये कहने का भाव ये है कि इस लोक की तुम इच्छा कम करो, यहाँ की सुविधाओं से भी मुँह मोड़ो थोड़ा सा, जितना ज्ञान आपको होता जाएगा उतना ही आप यहाँ से उल्टे हटोगे, तभी उस परमात्मा के निकट पहुँचोगे। यदि आप यहीं की कार कोठियों की डिमांड करते रहे भगवान के आगे, तो आपका मूल काम फिर रह जाएगा। परमात्मा आपको वो वस्तुएं अवश्य देगा जो कलयुग में ज़रूरी है। कलयुग में क्या ज़रूरी है? व्हीकल, जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, या अन्य कोई सुविधाजनक, कोई वैसे वैसे गाड़ी ठीक चलनी हो, बस में भी आदमी आसानी से जा सकता है, ट्रेन से भी आ जा सकता, आना जाना उसमें कौन सा गाड़ी में बैठे पास सके, कौन सा देवता बन जाए, रेल में बैठ ना, इसमें कार में बैठ गया था है तो आदमी है। तो जो भक्ति नहीं करता वो चाहे हेलीकॉप्टर ले रहा हो, वो तो पत्थर है और भगवान के लिए यूजलेस है। इसलिए परमात्मा कहते हैं राम रटत निर्धन भलो, टूटी गर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। कि परमात्मा को बच्चा प्यारा है, चाहे निर्धन हो, और इतना निर्धन हो कि घर की छत भी टूटी हो और मेरी परमात्मा की भक्ति करता हो, और उस कंचन महल का को क्या करे जिसका, वो किस काम के सोने के महल जहाँ परमात्मा की भक्ति नहीं। तो भक्ति कितनी ज़रूरी है, कितनी आवश्यक है और कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी कितनी कीमत है, ये आपको सत्संग से पता चलता है। तो आपको नहीं पता तो किसी की माननी अवश्य चाहिए जो बता रहा है। और एक तो बताया करें अपना अनुभव, वो तो संत अलग हैं, दास बताता है भगवान की बताई हुई। तो भगवान के बताए हुए में कोई त्रुटि नहीं हो रह सकती, ये तो आप बिल्कुल सत्य मान लो। ये तो माननी भी चाहिए कि भगवान जो कहता है वह फाइनल है, इंसान के कहे में त्रुटि हो सकती है, भगवान के कहे में नहीं हो सकती। तो दास अपना नहीं बताता अनुभव, भगवान का बताया ही बताता है, और जो उन्होंने ज्ञान दिया वो आपको सुनाता हूँ।
और जिन महापुरुषों को भगवान सत्य वहाँ लेकर गए फिर वापस छोड़ा, उन्होंने जो ज्ञान दिया वो आपके रूबरू करता हूँ कि उन्होंने भी ऐसा ही कहा है और परमात्मा ने स्वयं आकर भी यही बताया है। तो फिर इन ये तो निरसंशय हो जाना चाहिए आपको कि दास जो कह रहा है वो फाइनल है, वो सत्य है। तो सत्य को ग्रहण करने की आदत बनाओ। बच्चे खिलौनों को सत्य मानते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि इतना काम नहीं करती। छोटे छोटे घोड़े होते हैं खिलौने से, कार होती हैं, उन्हें को हाथ से ऐसे घसीटते हैं, उन्हें कहते हैं हट जाओ कार आ गई है, हट जाओ कार आ गई है, और पीछे पीछे दौड़ रहे हैं उसके। तो ये खिलौने हैं इस पृथ्वी लोक के, जो आप डिमांड करते हो वो तो खिलौनों से खेल रहे हो। और इस ज्ञान से फिर आप खिलौनों से खेलना अपने आप छोड़ दोगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं खिलौनों से खेलते छोटी छोटी कारों के साथ, और जब वो बड़े हो जाते हैं उनका विवाह हो जाता है और उनको ओरिजिनल कार बैठने को मिलती है, तो फिर क्या वो उन खिलौनों वाली कार से खेल सकते हैं? बड़े व्यक्ति आप उन खिलौने वाली कार को खेल सकते हो? उसे नहीं खेलोगे। इसी प्रकार जब आपके विचार इस ज्ञान से मैच्योर हो जाएंगे, यहाँ से उठेंगे ऊपर को, तो जब आपको ऊपर के सुख का ज्ञान होगा फिर आपकी इन यहाँ के खिलौनों में रुचि नहीं रहेगी। तो उस दिन आपकी भक्ति प्रारंभ होगी और एक दिन यू ज्ञान आपको होगा, भगवान ने आपको शरण में लिया है तो आपकी ऐसी स्थिति बनावेगा। पहले तो आपको जिन वस्तुओं की आवश्यकता वो ज़रूर देगा। अब आप यहाँ आते हो तो कोई तो रोग से दुखी है, कोई कर्जे से दुखी है, कोई कोई अन्य कोई पुत्री के साथ कोई गलत घटना घट रही है भाई, कोई किसी केस से पीड़ित है, कोई किसी कारण से। और जो भी ज्ञान और भक्ति दी जाती है आपकी वहीं नष्ट हो जाती है, क्योंकि आप भक्ति करते हो फिर 36 आपके ऊपर आपदाएं हैं, उनसे पर अर्जी लगाते हुए भगवान नहीं हो जाते, वो आपकी साथ साथ खत्म होती है। तो परमात्मा आपको कैसे ठीक करेगा? एक बार किसी के ओठ के चोट लगी, ओठ के, और किसी ने दवाई बता दी कि इसके होठ के हलवा बना के बांध दो। अब थोड़ा सा हलवा बनाया 10-20 ग्राम देसी घी का, उसके ओठ पर रख दिया, ओठ पर रखते हो भीतर कर गया भूखा था, उसने फिर दरिया वो फिर खा गया। एक समझदार से ने बताया कि अच्छा है बना दो, और पहले इसने भीतर तो भरो जब ओठ पर टटेगा, अंदर से फुल करो इसको जब टिकन देगा ये ओठ पे। तो पहले ई परमात्मा पहले आपको अंदर से भरेंगे, और जब इस औषधि ने ओठ पे टिकन दोगे आप, जब आप ऊपर निचालने की सोचोगे, अर्थात आपकी यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है, दाता आपके दुख हैं, पहले इन्हें ठीक करेगा। और ठीक होके फिर आप गफलत कर जाते हो, इतना भी मालिक को मालूम है, आप चाहे मानो या ना मानो। आप कई भक्त कहते हैं जी कति और तो सारा ठीक हो गया, कि थोड़ा सा कोई बताते हैं ऐसा दुख रह गया, वहाँ यो तो रखना पड़ेगा भगवान ने, यो तो जान कर रख रखा ना, तुम फिर अंडी पाक जाओगे। तो परमात्मा कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस ते ना मर देते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल ना उठावे। तो परमात्मा कहते इसे सुख का आग लगे, जिस तो भगवान की भूल पड़े। और बुद्धिमान व्यक्ति समझदार व्यक्ति भक्त ने ये मांगना चाहिए, परमात्मा ऐसा दुख दिए रखना आपकी याद बनी रहे, ऐसा सुख ना देना जिससे आपसे दूर हो जाए, पहाड़ में जाए ऐसा दुख सुख। तो पुण्यात्माओं ये परमात्मा थोड़ा बहुत जो रखे है ये अनिवार्य ही होगा हमारे लिए, ये सोचकर आप अब ब्लाइंड फेथ करो इस मार्ग पे। पहले हम ब्लाइंड फेथ किया करते थे उन अज्ञानी नकली संतों पर, और वहाँ उन्होंने हमारे उस ब्लाइंड फेथ का यानी अंधे होकर उसके पीछे लगना उन्होंने दुरुपयोग किया, जिससे हमारे पूर्वजों के जीवन नाश कर दिए। अब उस ब्लाइंड फेथ की स्थिति पर आपको लाने के लिए बहुत समय लगेगा दास को, लेकिन एक दिन आप हो जाएगा जब सारे प्रमाण आपके रूबरू होंगे कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है और कैसे मिलता है,
इस साधना से जो दास दे रहा है वो किन किन को भगवान मिला है, और जिन्होंने वो भगवान मिला है तो उन्होंने उसका वर्णन क्या किया है, कैसा बताया है। तो वही साधना जिन महापुरुषों ने जिस साधना के करने से परमात्मा मिले हो और वो आपके रूबरू कर दिया, क्योंकि आप स्वयं नहीं पढ़ सकते अध्यात्म लिटरेचर को, उसके लिए टीचर की आवश्यकता होती है सिलेबस को पढ़ाने के लिए। तो हमारा अध्यात्म का जो टीचर सिलेबस है ये पवित्र ग्रंथ हैं सभी धर्मों के, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी, पवित्र कुरान, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी। तो ये हमारे अध्यात्म मार्ग के एक सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। और पाठ्यक्रम को गुरु यानी टीचर जान सकता है। आपको बताया कि गुरु कौन है, गुरु भगवान हो सकता है, दूसरा गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु सारी सतगुरु कहो गुरु कहो, सतगुरु इसलिए कहना पड़ गया कि नकली गुरु बने होंगे, नहीं तो गुरु शब्द पर्याप्त है। गुरु माने रास्ता दिखाने वाला, सच्चा रास्ता दिखाने वाला, लेकिन झूठे गुरु हो गए इसलिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो सतगुरु कहो और उसको गुरु कहो, परमात्मा ही आते हैं और वो ही गुरु हो सकते हैं, और गुरु है ही नहीं। बाकी तो गुरु सभी आपको बता दिया, किसी ने बाल काटने सिखा दिया उसका गुरु हो गया, ये छोटी मोटी अध्यापक शिक्षा को अक्षर ज्ञान करा दिया उसका वो गुरु हो गया, ये गुरु अलग है। अध्यात्म मार्ग के गुरु का सत्संग में रोल होता है। यदि यहाँ गुरु होते तो भगवान को आने की आवश्यकता ही नहीं थी, अपनी रची हुई सृष्टि को अनुभव से भगवान ही बता सकता है, जीव कैसे जान सकता अपने अनुभव से। तो असंग ब्रह्मांडों का रचनहार परमात्मा स्वयं आए थे। आप सृष्टि रचना में जब देखते हो, दास ने बहुत बार आपको सुनाया भी है, उसकी कैसेट सीडी डीवीडी बना रखी है भक्तों ने, पुस्तक भी लिखी है। तो सृष्टि रचना के ऊपर ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं नारद जी, नारद जी से पूछ रहे हैं व्यास जी, और ब्रह्मा जी कहते हैं जी मुझे पता नहीं, मैं तो कमल के फूल पर बैठा था, मैं कहाँ से जन्म हो गया बताओ। और गीता ज्ञान दाता ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये कहता है गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि मेरी उत्पत्ति को ना ये देवता जानते ना ऋषिगण जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं। तो पिता की उत्पत्ति को, डेट ऑफ बर्थ को बालक बच्चे कैसे बता सकते, वो तो दादाजी बताओगा, वो दादाजी बताएगा। उस पिता की भी जन्म तिथि और जीवित हो गया तो पोता पोतियाँ की भी जन्म तिथि, वो दादा तो कंप्लीट बता सकता है सबकी। तो इसी प्रकार ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल से उत्पन्न हुए हैं, ये नहीं जान सकते उस अपने बाप की उत्पत्ति नहीं जानते, ये तो ब्रह्मा विशेष ब्रह्म की यानी काल की। और परम पिता परमात्मा जो सबका पिता है, सबका दादा है, सबका रचनहार है कबीर भगवान, उसने आकर इनकी सबकी डेट ऑफ बर्थ बता रखी है, इनकी उत्पत्ति बता रखी है, इंक्लूडिंग सरपुरुष अक्षर पुरुष और ब्रह्मा विष्णु महेश तक की और सभी की। तो कहने का भाव ये है कि इस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी सबसे पहले गुरु माने जाते हैं, और ब्रह्मा जी से ज्ञान हुआ विष्णु और शंकर जी को, उसके बाद सभी ऋषि महर्षि दक्ष आदि ऋषियों को हुआ, वो ज्ञान हम तक था। तो ब्रह्मा जी खुद कहते हैं मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से जन्मा, मत कमल के फूल पर बैठा पाया अपने आप को। तो ये गुरु है लेकिन सतगुरु नहीं है, इनकम्प्लीट गुरु है, तो ये भगवान नहीं है। ठीक इसी प्रकार उस पूर्ण परमात्मा ने आकर सारा मार्ग बताया, और वही परमात्मा है और वही गुरु रूप में आए। तो यहाँ उस गुरु का रोल शुरू होता है। अब वो गुरु खुद आए परमात्मा, और फिर उन्होंने 600 वर्ष पहले अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाएं, और काल फंद छूटे नरलोई सकल सृष्टि प्रवानिक होई।
कलयुग बीतता है 5500 पाचा जब यो मेरा वचन होगा साचा। परमात्मा ने कहा था धर्मदास जी को कि मैंने इस काल से कहा था कि जब कलयुग आवेगा चौथा युग तब मैं अपना अंश पठाऊंगा और उस समय सारी पृथ्वी पूरी पूरा विश्व नाम लेगा परवाना पावेगा और धर्मदास सबका मोक्ष होगा। तो धर्मदास जी का यह बात समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि उस समय कबीर भगवान जब आए थे 600 वर्ष पहले तो उनका इतना विरोध था कोई बात सुनकर राजी नहीं था, उनके नाम से भी नफरत हो गई थी लोगों को क्योंकि मुल्ला और काजियों ने और हिंदुओं के पंडित और ऋषि मंडलेश्वरों ने भगवान को इतना बदनाम कर दिया था कि ये झूठा है, कपटी है, वेद शास्त्रों को जानता नहीं है, ये सारी बकवास कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की बेइज्जती करता है, इसकी बात भी ना सुनना। और उससे परमात्मा ने कहे कि पूरी पृथ्वी पर मेरा ही ज्ञान रहेगा और वो भी इसे कलयुग में आज से 5500 वर्ष बीत जाएंगे जब यानी जब तो 4900 वर्ष ही बीतते थे कलयुग के। और ये भी भगवान बता रहे थे कि कलयुग में आने वाले कलयुग में तो इतने कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे उनका वो कोई उनका ठिकाना ही नहीं रहेगा, ये काल ऐसा कर देगा। तो उस समय उसके गले यह बात नहीं उतर रही थी धर्मदास जी क्योंकि वो तंत्रयामी थे, परमात्मा जानेंगे अग्भक्त ऊपर से हाँ भ्रह पर अंदर जगह नहीं। तब परमात्मा ने कहा था कि ये जो मैं कह रहा हूँ ना पूरा विश्व नाम लेगा, ये वचन मेरे उस समय सच्चे होंगे जो 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग। 1997 में 5505 कलयुग पूरा हो जाता है। 1997 में परमात्मा इस दास को पुनः मिले थे और 1994 से दास ये प्रचार कर रहा है। तब तक सारनाम नहीं दिया जाता था, इक्का दुक्का भगत को मैं देता था। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि अब ऐसे खोल दे पिटारे को, खोल दे ये और शुरू कर दे। अब आ गया वो समय जिसके लिए हम इतने प्रयत्न कर रहे थे, किसी प्रकार ये ज्ञान, ये नाम, ये भक्ति सुरक्षित रह सके। अरब ला दे बोछार मेरे बच्चों पर। तो ये वो 5505 वर्ष वाला समय आ गया। तो कहने का भाव ये है जब उसने परमात्मा धर्मदास जी को उसमें बता रहे हैं, काल ने कहा था कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, अरे 12 पंथों में 12 पंथ चलाऊंगा, द्वादश पंथ, और 12 पंथों में जो नाम लेगा वो मेरा ही मेरे मुंह में आवेगा, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। ऐसे नकली संत भेज के 12वें कबीर पंथ के और अनेक इरा दसवामी ऋषि निकली जितनी ब्रांच हैं, ये निरंकारी वगैरह, ये सुदान सूर असाराम जैसे, ये कृपाल और ये सारे जितने ब्रह्म ऋषि जैसे, ये कुमार स्वामी ने कक्का पता नहीं और कितने दुनिया को भ्रमित कर दिया। तो ये सब काल के पंथ थे। तो काल ने कहा था और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, देवल देव और पत्थर पुजवाऊं और तीर्थ व्रत और नकली जप तप मन लाऊं, इन मूल जा दूंगा। तब परमात्मा ने कहा था कि कलयुग जो 1500 पंथ गरीबदास का पंथ होगा, कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था धर्मदास जी को कि 12वां पंथ जो होगा उस कबीर पंथ के नाम से चलने वालों में गरीबदास जी का होगा। और परमात्मा को ये भी मालूम था कि मैंने जो अपना अमृतवाणी बोली है कबीर सागर में, कबीर साखी में, कबीर दोहावली, कबीर बीजक में, इनमें ये काल के दूत कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर करेंगे। जब 12 पंथ चलेंगे 600 साल बीतेंगे तो उसकी पूर्ति के लिए अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी के माध्यम से अपनी महिमा की वाणी पुनः परमात्मा ने बुलवाई और उसमें कहा है कि 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठाणी, ये असंख जन्म छोड़ नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को धावे, मेरा नाम लेंगे, कबीर जी को मुख्य मानेंगे, लेकिन इनके पास यथार्थ भक्ति ना होगी और जिस कारण से असंग जन्म भी वो उस स्थान पर नहीं जा सकते जहां जाकर फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आना होता। फिर परमात्मा ने फिर धर्मदास जी चिंतित हो गए कि भगवान फिर कैसे बात बनेगी।
तो परमेश्वर ने कहा कि बर में पंथ, जब गरीब दास का पंथ चल चुका होगा, इन बारह में तो वो बात बने नहीं, बर में पंथ में हम ही चल आवें और सभी पंथों का को मिटाकर एक पंथ चलावें। अब बर में पंथ में ये दास भेज दिया परमात्मा ना आए तो, गरीब दास पंथ में रामपाल दास, तो कबीर साहब ने कहा है कि पुरुष और गुरु, पुरुष और गुरु सतगुरु में जो मेरा सच्चा गुरु होगा उसमें कोई भेद ना जानना, समकर जाने। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, परमात्मा ने कहा है मम संत मेरे संत को मुझे ही जान मेरा ही स्वरूपम। तो गुरु और सतगुरु, गुरु परमात्मा, सतगुरु परमात्मा स्वयं होते हैं, सतगुरु कहो चाहे गुरु कहो, और फिर पृथ्वी पर वही सतगुरु होता है जो उसका कृपा पात्र और या वो स्वयं ही आते हैं। तो अब कहने का भाव ये है कि इस 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर छोड़ कहीं गुरु नहीं है इस मार्ग के जानने वाला वर्तमान में। अब हम वहीं आते हैं जहां से प्रसंग सुना हुआ शुरू हुआ था, भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जो गोविंद दियो मिलाए। अब जो प्रसंग थोड़ा सा बीच में रह गया कि सतयुग में आप जन्मे, फिर आप वही आत्माएं जो कलयुग इस भक्ति को पाकर, अभी तो सभी पार होंगे ठीक है, जो अब नाम ले रहे हैं, जो अब नाम लेकर दृढ़ता से लग गए तो इस जन्म में पार हो जाओगे, ये सत्कर मान लेना। कहते हैं जीवन तय थोड़ा भला जय सत्य सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवन वही लेखे दरे न कोई। जीना तो थोड़ा ही भला, चाहे किसी जैसे वृद्ध आदमी हो गए, और इनको तो मालूम है कि कभी भी हमारी यहाँ से बात बिगड़ सकती है, तो इन तक घड़ी भक्ति करनी चाहिए। ठीक है थोड़ा बहुत कष्ट बुढ़ापे में घना बढ़ जाता, लेकिन मालिक साथ रहेगा, आपके रोगों को भी दूर करेगा, भक्ति योग बनाकर रखेगा। जब आपको शरण में लिया है तो परमात्मा ही, ये पत्थर पत्थर न चला दे, पत्थर को बुला दे और झोटे तो मंत्र करवा दिए, तो हम तो इंसान हैं, बहुत आसान है हमारे लिए सब कुछ करना। तो कहने का भाव ये है कि ये ना सोचें, कई भक्त चिंतित हो जाते हैं कि देखो, एक भक्त रो रहा था कि सत्संग सुन के उसका लगभग 70 वर्ष की उम्र हो गई थी, और प्रथम बार ने बोला मैंने अपने जीवन में ज्ञान आज सुना, सत्संग तो मैं नफरत कराया करता, देख फूटे भाग हमारे, रागनी होती हों कहीं गाने बजते हों सांग होता वहाँ तो हम बढ़िया बात मानते हैं, और जब सत्संग हो रहा है उन्होंने कहना वहाँ नहीं जाना, वहाँ घटिया आदमी जाते हैं। इसका कारण क्या रहा कि नकली संत, बात तो बताओ भगवान की, काम करें सारे खोटे, जिस कारण से बदनाम संत हो गए। इसलिए लोगों परमात्मा काल ने तो सारे बात बिगाड़नी थी, किसी प्रकार ये परमात्मा के सच्चे संत के पास पहुँच ना जारी न रास्ता ना मिल जाए, यूँ तो इस ताक में रहता है कि कोई भी बाधा पैदा करनी पड़ो, यो सारी कर रहा है। तो समाज में एक ऐसी धारणा बना दी कि सत्संग में तो नकली बेकार से आदमी जाते हैं, नकली निकम्मी औरतें जाती हैं, और बाकी चाहे पत्थर की तो पूजते रहो, माता पूजाओ की तो मंडी पूजते रहो, धक्के खा लो उड़स ठीक से वहाँ ठीक है। तो ये सब काल प्रेरणा, तो कहने का भाव ये है। तो वो वृद्ध चिंतित हो गया और रोए बैठ के आंसू पड़े, कहने लगा महाराज जी मेरा के बनेगा, मैंने तो पहली बार सुनाई वो ज्ञान आज, मैं तो घनी नफरत मान्या करता इन संतों से, और मुझे नहीं मालूम था इतनी बढ़िया बात, और जीवन मेरा तो जीवन नाश हो लिया, सारी उम्र पशु की तरह कमाया हूँ, 4 किले जमीन, 1 एकड़ जमीन थी 16 किले बना दिए मैंने अपने बच्चों के लिए, 2 बच्चे हैं
और आज ये अपना ठाट से रह रहे। लेकिन आपके ज्ञान से पता चला मन ने अपने लिए तो कुछ ना किया, अब मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो कभी भी मर जाऊंगा। उसकी बुरा हाल देखा तो मैंने उसको समझाया कि अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा आपका। अब जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो, पहले बहुत गहरे गहरे कुएं हुआ करते, 100-150 फुट नीचे तक, और खोद कर बना करते उसे जल निकालने के लिए एक लंबी रस्सी, नेजू बोलते हैं उसको, नेजू होती थी, उसके बाल्टी बांध करके कुएं में डालते थे, एक लकड़ की पुड़ी सी बनाकर उसके ऊपर डालकर ऐसे खींचा करते थे। वो कई बार गलती से हाथ से छूट जाती, उधर लंबी तो बहुत लंबी होती थी, 100-150 फुट दूर तक तो खींच कर ले जाते थे, वहाँ छोड़ देते थे, उधर से उसने कुएं में डाल दी जो वहाँ खड़ा था या नहीं था, वैसे अपने आप भी करना पड़ जाता ऐसे कई बार, और उधर से हाथ से छूट गई तो वो क्या करती थी, रस्सी बाल्टी नीचे जा रही है कुएं में और रस्सी हाथ से छूट गई और वो भी आगे धीरे धीरे सरकती जा रही है, और उस वो रस्सी रहेगी 2 फुट की, गिरने में सारी जा चुकी है कुएं में, और भाग दौड़ के कोशिश करके उसका लास्ट भी पकड़ ले एंड, उसको पूछड़ी बोल रहे, पूछड़ी एंड ने, वो पूछड़ी भी मिल गई हाथ में आ गई, तो कुछ भी ना गया, बाल्टी भी आ गई, पानी भी आ गया। तो इसी प्रकार आपका कुछ नहीं बिगड़ा अभी तक, मनुष्य जीवन रहते और ये सतभक्ति मिल गई तो आप कहवा पूछड़ी हाथ में आ गई, एंड ठा गया इस जीवन का, और दोनों हाथों में डटके खींच लो इसने, यानी भक्ति करो डट के, इस जन्म में बिगड़ा पार हो जाएगा। जीवन ते थोड़ा भला जय सत्य सोमरण हो, ये लाख वर्ष का जीवन लेख धरे ना कोई। लाख लाख वर्ष भी हमने जी के देख दिया। तो जो प्रश्न चल रहा है कि सतयुग में आपकी पूंजी खत्म हुई, उसके बाद त्रेता में आपने बड़े बड़े खूब अच्छे जीवन व्यतीत किए, कोई दुख विशेष नहीं होते थे, और फिर इसी प्रकार द्वापर में अब कलयुग के प्रारंभ में भी घना सा दुख नहीं था, अभी तक परमात्मा में आस्था भी थी। अब काल ने इस बिजली पीढ़ी में बिजली गिरनी थी, आप देख रहे हो दास का जन्म 8 सितंबर 1951 1951 को हुआ था, और उससे पहले कभी माहौल देखा हमने किस प्रकार रहा करते थे, कितना सिंपल जीवन जीते थे, कैसे नेक विचार उन महापुरुषों बुजुर्गों के होते थे, कैसा आपस में प्यार होता था वहां केवल। अब फिर उसके बाद दास ने देख लिया, उसके बाद ये 50 वर्ष के अंदर अंदर ये कितना परिवर्तन हो गया, दिन और रात का कहते हैं जमीन आसमान का अंतर हो गया, इंसान की भावना बदल गई, विचार बदल गए, रहन सहन बदल गए, और भगवान से कोसों दूर हो गए, और दिन में भगवान की आस्था थी वो नकलियां के फंसा दिए काल ने, इन ग्रुप के ग्रुप बना दिए, कितने बड़े बड़े करोड़ों जीवों का नाश कर दिया इन नकली संतों ने। ये पुण्यात्मा ये थे तो पुण्यात्माएं इन्हीं में से बचे हुए थे, जो आप भक्ति करेंगे ना, और जो ना पार होंगे उनको काल, उनकी इतनी कमाई बन जाती है कि वो स्वर्ग में महास्वर्ग में खा के फिर भी, और यहाँ भी आ जाते हैं राजा बनकर चले जाते हैं, फिर स्वर्ग में बैठा देता है उनको, और फिर उन्हीं में से कुछ और विशेष पुण्यात्मा सेलेक्ट कर लेता है, उनको अलग रखता है, वो 12 गिनती के 12 होते हैं। तो ये जितने भी अब संत आ रहे हैं ये वो 12 हैं जो काल ने पहले सेलेक्ट करके हैं, ये भगवान की आत्मा जो पहले कभी भक्ति से युक्त है। अब आप देख रहे हो कितने संत हैं, इनके सारे ठाट हैं, पूरा इनको दान मिलता है, बड़ी बड़ी कारें चलती हैं, में रहते हैं, सारी सुविधा है इनको, और सारा सारा दिन, क्योंकि भक्ति इनके पास है ही नहीं,
भक्ति तो है ही नहीं, ये पिछले पुण्य ही ये खा रहे हैं, इनके चेले भी पिछले पुण्यों से चल रहे हैं। वो दुखी हैं या सुखी हैं वो यही कह देते हैं, दुख तो भोगना ही पड़ता है और सुख गुरु जी दे ही रहे हैं, सुख तक गुरु जी दे रहे हैं उनके, हर दुख भोगना ही पड़ता है। तो नो बुद्धि बांध रखी नकली, तो वो सारे ये सेट हैं। एक आधा चमत्कार अपने आप किस्मत का, जैसे हम हनुमान पूजा करते, श्री विष्णु जी की पूजा करते थे और तकरीबन चमत्कार हो रहे थे, यानी सुख हो रहे थे, भाई शिक्षा ग्रहण करी, सर्विस लगी, ब्याह हो गया, बेटा बेटी होगी और सुथरी रोटी मिल गई। तो हमने सोच रहे थे भगवान ये श्री हनुमान जी की मूर्ति दे रही है, अब पता चला। तो इसी प्रकार ये हनुमान जी की मूर्ति है, समझ लो ये संत है, इनका पल्ला कुछ नहीं है। आप पर किसी ने सुख हो रहा है, किसी ने आप पर दुख हो रहा है, तो वो ने सोच रही है गुरु जी कर रहा है। गुरु जी का जब होगा, जब ये मंत्र होंगे साथ में, इन मंत्रों से सुख होगा, मंत्रों से आपकी आयु बढ़ेगी, आपके पाप कटेंगे, ये नहीं है तो पता कैसे सुख हो सकते हैं वो। तो कहने का भाव ये है कि संत पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, और वो भी पुण्यकर्मी प्राणी जो भगवान के लिए भटकते भटकते इनका फंस गए, और ये फंस गए काल के, अब काल ने इनको इसीलिए पैदा कर दिया कि कोई भक्ति चाह है नहीं उसके लिए, तो उसने कर दिया एजुकेशन दे दी, चौधरी पका दिए, कोई मंत्री कोई महामंत्री बन गया, कोई कुछ बन गया, और कोई छोटी मोटी पोस्ट पाकर सब आकड़ पाड़े अंडे हैं, थोड़े दिन IAS IPS बन गया, धरती तोल दे और फिर अगले दिन में गधा बना फिरेगा वो। तो ये जो अकड़ आ गई या कमजोरी काल ने पैदा कर दी, तो जो भक्ति नहीं चाहते वो तो खाओ धक्के, और जो भक्ति चाहते हैं वो काल के पक्के, क्योंकि उन दूतों को फंस गए। अब परमात्मा ने कहा था कि काल ने कहा था कि द्वादश पहले अंश हमारे जाहीं और पीछे अंश तुम्हारा जाए। जब परमात्मा का, कबीर भगवान का और इस काल का अनुबंध हुआ था, इसने बहुत विनय की थी कि तीन युगों में जीव ना ले जाना। तो परमात्मा को भी मालूम था कि तीन युगों में ये ले जाने योग्य हुए को नहीं, क्योंकि इनके पिछले पुण्यकर्मों की बैटरी चार्ज रहेगी, और ये मैं भक्ति बताऊंगा उसने मानना है कोई नहीं। ये जो भक्ति कर रहे हैं ये सोचे इसी से सुख हो रहा है, ये हो रहा था उनके पुण्यकर्मों से होता रहेगा, जिस कारण से ये त्रेता सत्युग त्रेताप्रम ये कति नहीं मानने। और काल राजी कर दिया, ठीक सा भाई तीन युगों में तू कर ले जो तूने करना। फिर चौथे युग में इसने कहा था कि चौथा युग में पहले मेरे हंस जा, मेरे दूत जावे और पीछे तेरा आवे। परमात्मा बोले या भी मान ली तेरी जा, और बोल। परमात्मा को पता था यदि मैं पहले भेज दूंगा अपने हंस ने तो वो सारी सच्ची कहेगा, फिर ये काल के दूत जाएंगे वो ये बताने लग जाएंगे, भिन्नता कहाँ रहेगी। तो काल ने इसलिए उसको आदेश दे दिया, काल ने ये सोचा था कि सा कंडम कर दूंगा इन, इतना बना ऐसा बना दूंगा या तो भक्ति करने योग्य रहेंगे नहीं, कोई शराब में कोई सुल्फा कोई अफीम सारे अड़ंगे पर लगा दिए, जो भक्ति करते हैं वो कोई पत्थर पानी पूजन पर ला दिए या नकली संतां का फंसा दिए। तो काल ने यह चलाकी करी थी कि पहले अंश मेरे जाही और पीछे अंश तेरा आई, तेरा जो दास से दाता वो बाद में आवे, पहले मेरे जाले अकदा पहले तेरे चले जाएंगे। परमात्मा को पता था कि वो नकली संत जितने काल के दूत जाएंगे उन्हें ज्ञान तो है नहीं, इस इनके भगवान ने ज्ञान नहीं, तो वो ज्ञान क्या करेंगे, बकवास घड़ेंगे। तो वो बकवास घड़ घड़ कर ज्ञान बता बता कर उनकी कई पीढ़ी जा चुकी होंगी और उनकी पुस्तक बन चुकी होंगी, उनके ज्ञान की DVD बन चुकी होगी। तब मेरा दास जाएगा और उनको परमात्मा ने कहा था उनका सुनियोजित तरीका था, ऐसे इंस्ट्रूमेंट कलयुग में मालिक ने बनवाए हैं, ये प्रोजेक्टर टेलीविजन हाथों हाथ सच्चाई देगा मेरा दास जा करके, उन नकलियों के दिखाओगा नकली अनुभव और सदग्रंथों को दिखाएगा कि जिन महापुरुषों को मिले उन्होंने ये भक्ति की, यही हमारे सदग्रंथ बताते। तो एक मिनट में उन सब की खाल तार कर रख देगा, सब बच्चे मुझे पहचानेंगे और मेरे पास आ जाएंगे फिर छोड़ छोड़ के। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना पंथ अंश पठाई, काल बंद छूटे नर लोई शुक्ल सृष्टि परवानिक होई। सारी सृष्टि परवानिक यानी पूरा विश्व नाम लेगा,
कलयुग बीते 5500 पाचा, जब यो वचन मेरा होगा साचा। आज जो धर्मदास मैं तुझे बता रहा हूं कि एक दिन इन सभी नकलियों का पर्दाफाश कर दिया जाएगा और ये सभी पंथ खत्म हो जाएंगे जब सच्चाई से परिचित होंगे, सब मजहब के लोग भी सत्य को स्वीकार करके पूरा मानो एक होगा और भक्ति करेंगे और इन प्रमाणों से इतने प्रभावित होंगे, फिर वो सभी नाम लेंगे, पूरा विश्व नाम लेगा। तो वो समय अब आ गया पुण्यात्माओं। अब क्या है कि जो भी किसी पंथ से जुड़े थे या कोई अपनी परंपरागत साधना कर रहे थे, घर की पूजा होती है, उनको करते करते आज आपकी क्या हालत हो चुकी है? किसी को शांति नहीं, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की बेटी विधवा होगी, किसी का पोता मर गया, किसी को कैंसर होगी, किसी को और अन्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। और वो भक्ति अब भी कर रहे थे, उन्हीं पंथों से भी जुड़े जुड़े उनका कति विनाश हो लिया, सर्वनाश हो रहा है। अपराधा स्वामी पंथ से, धर्त दंडन सतगुरु पंथ से, आसाराम से, इन सब से, ये कुमार स्वामियों के वहाँ भटक गए और उनसे कोई लाभ ना मिला, कति सर्वनाश हो लिया। अब यहाँ आ रहे, रो रहे हैं, अब कोस रहे हैं उनको कि हमारा जीवन खो दिया 20-20, 30-30 वर्ष। अब क्यों कैसे संतोष होगा उन पुण्यात्माओं के, एक अनमोल जीवन को नाश हो गया। अब तो पता ही नहीं था उनको अभी तक कि इतनी कीमत है इस मनुष्य जीवन की, यहाँ से पता चलेगा ये कितना कीमती है। और अब यहाँ आते हैं और कोई कहता जी मैंने 20 वर्ष हो गया राधा स्वामी में था, इतने दुख गिनवाता है, मुझे भी रोना आने को हो जाता है। और फिर उसको कहा जाता है तू वहाँ 20 वर्ष खो दिए, अब यहाँ 20 महीने या साधना करके देख ले, तेरे वारे न्यारे ना हो जाते, बेशक कद्दे छोड़ दिए। फिर अब भगवान मिलेगा तो सारे काम भगवान वाले ही करेगा। तो कहने का भाव दास का ये है कि फिर वो परमात्मा आपको राहत कैसे देगा? भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गुरु के बिना जो दान आप करते थे, जैसे बगैर ज्ञान के दान तो करते ही हम डटा नहीं, जा रुक नहीं सकते। परमात्मा कहते हैं कि धर्म बिना धापे नहीं, ये प्राणी प्रपंच आस प्राणी क्यों करे, तन दिया हो तो संच। कहा कि इस धर्म करे बिना पुण्यात्मा जो अच्छी आत्मा होती है उनको संतोष हो ही नहीं सकता, वह कोई ना कोई धर्म की जरूर कोशिश करते हैं करूं, तो वो कर्म शास्त्र विदिता का मनमाना किया गया धर्म कर्म कोई भी पूजा वो व्यर्थ बताई, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में। तो वो जो साधन धर्म करते भी थे हम, क्योंकि सबकी कोशिश थी धर्म करें, रुक नहीं सकते, जब हमें धर्म कर्म का पता क्या था, एक आम परंपरा बनी हुई थी कि हम हनुमान के पुजारी थे ये दास, और मंगलवार को 100 रुपये का प्रसाद बांट दिया करते, जिस दिन 5:15 का बांट देते उस दिन घनी खुशी मनाया करता, तो बड़ा दान कर दिया, बहुत बड़ा। और किस कोई उसका 100 मणि ला देता हो तो साल 2 साल में कदे बात बनाया करती, तो उस तो बड़ी खुशी मनाया करता, बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। तो यहाँ बताते हैं कि जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग दसे न आब। अब जैसे किसी ने कंबल बांट दिए कहीं पर गरीबों में, या कि तो भंडारा लगा दिया, या कोई प्याऊ बनवा दी, कोई धर्मशाला में सहयोग कर दिया, कोई हैंडपंप लगवा दिया, तो ये चीज़ धर्म की काम है। लेकिन गुरु बिन, यानी गुरु बनाए बिना हम जो भी पुण्य करते हैं वो व्यर्थ बताया। और फिर ये भी कहा है कि जैसे कर्म करेगा वो सारे ही मिलेंगे। अगर यदि आपने पक्षियों को दाने भी डाले हैं वो भी आपके पुण्य में लिखा जाएगा, आपने जानबूझ के कोई चींटी भी मार दी वो भी आपके पाप में लिखा जाएगा। और जब तक गुरु धारण नहीं करते जितने भी जीव हिंसा आपकी होती हैं वो आपके पाप कर्मों में ही लिखी जाती हैं। तो कहने का भाव ये है कि पाप तो ढेर सारे हों डेली, और पुण्य कभी कभी कर पाते हो आप, जिसको आप पुण्य मानते थे बिना गुरु के।
अब ये भी कहा कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये भी पक्की बात है। अब फिर ये भी कहा कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। अब गुरु के बिना जो दान करा वो व्यर्थ है, उधर कह रहे हैं कि जो किया वो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका, इसके पीछे एक राज है, इसको अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। अब जैसे किसी ने खूब दान किए हैं, भंडारे लगाए हैं और कंबल बांटे हैं, गिदक प्याऊ बनवा दी है, पक्षियों को दाने भी डाले हैं, तो अगले जन्म में गुरु ना बनाने से उसको मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जीवन मान लीजिए वो कुत्ता बन गया अगले जन्म में, और कुत्ता बनकर आप देखते हो आजकल एक कुत्ते के लिए कितनी फैसिलिटीज दी जाती हैं उस सेठ साहूकार के द्वारा जो कुत्ते को पालता है। अलग से उसका रूम होता है, कमरा, और उसमें एसी लगे हैं, कूलर भी लगा, पहले कूलर लगाते थे, आजकल एसी लगाए जाते हैं उनके लिए। और उसके खाने को भी बहुत अच्छा भोजन मिलता है, दिन में नौकर नवाते हैं, खूब सैर सपाटे कराते हैं। और फिर क्या होता है, गाड़ी में वो कुत्ते का मालिक तो ड्राइवर बनता है, और कुत्ता मालिक की सीट पर बैठकर ऐसे गर्दन निकाल के बाहर देखता चलता है ठाट से। अब उस कुत्ते ने पिछले जन्म में बिना गुरु किए दान धर्म किए वो मालिक ने दे दिए उसको। आम व्यक्ति को भी वो सुविधा उपलब्ध नहीं है जो उस कुत्ते को उपलब्ध है, कार भी है, ड्राइवर भी है, एसी रूम है, खाने को संशोधित भोजन भी है, बहुत बढ़िया आहार है, सारा उसको प्यार मिल रहा है। अब इस जन्म में उसने जो कुछ भी कराया था पूर्व जन्मों में वो बगैर गुरु के वो सारा पुण्य दे दिया काल भगवान ने, वो देना पड़ता, जैसे कर्म करेगा वैसा फल तो देगा ही देगा। लेकिन वो सुविधा मिली कुत्ते के जीवन में, और नेक्स्ट जीवन उसका सूअर का होगा। अब बताओ फिर उसने कौन रखा गाड़ी और कारों में अलग रूम बना के, अब क्या मिलेगा उसको। और यदि उस पुण्यात्मा ने गुरु धारण किए होते और फिर दान करता, या तो पार हो जाता, अरनी मनुष्य जीवन मिलता, ये सुख भी मिलते, और मनुष्य जीवन में फिर भगवान आगे संभालता, उसका नियम है। जो जन मेरी शरण है ताका हूं दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। आज ये दो ही विषय है सत्संग के, कि एक तो एक बार जो मालिक की शरण में आज आ गया और उसका अकाउंट खुल गया, जैसे कोई रोगी है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और यहाँ आ गया, वो से तो यहाँ आते आना नहीं था, वो तो कति फांसी लग ली, सारी तरफ से रास्ते बंद हो लिए, तब यहाँ आ गया, ये भी सौभाग्य उसका, उसको नाम मिल गया। अब जो इस उद्देश्य से आते हैं कि हमारा व्यक्ति ठीक हो जाए फिर अच्छी बात है, और वो नाम ले गया, उसने भक्ति कर ली और उसकी मृत्यु होगी, तो वो उसका परमात्मा का बच्चा हो गया। अब आपको ये भी बताया था कि इस मंत्र, प्रथम मंत्र के लेने से और कुछ जाप करने से बहुत से मानव जीवन प्राप्त करने योग्य कर्म बन जाते हैं आपके। तो उसकी मृत्यु के तुरंत बाद, मृत्यु भी होगी तो एक कमीज बदल का होगा, कुर्ता पजामा, आते फिर भक्ति मिलेगी, और ऐसे घर में जन्म लेगा जो पहले से भक्ति पर लगे पाओगे उसको। तो हम तो अपने स्वार्थ को काउंट करते हैं कि ये और जीवर धंधा करे कमावे, और यदि जब इसका कोई इलाज नहीं होता, कितना प्यारा बेटा हो बेटी हो और वो रोगी हो जाती है, ट्रीटमेंट करा के हम थक लेते हैं, तब आप ही कहते हैं भगवान इसकी माटी संगवा ले। अपने पुत्र को भी ये कहना पड़ जाता, भगवान इसने ठा ले तो अच्छा है, दुखी हो रहा है। अब जब तो भगवान ठावे नहीं, तो काल ठावेगा बगैर नाम के, तय नाम लेकर जब ठा भी लिया तो भगवान ने ठावेगा फिर उसने, और फिर दोबारा जन्म देगा मन उसका। तो पिछले सारे पाप नाश करके उसको नए सिरे से भक्ति प्रारंभ करके उसके दो जन्म में पारे कर देगा परमात्मा। तो कितना बड़ा पुण्य, कितना बड़ा बेनिफिट आपको प्राप्त हुआ। दूसरी बात यह है कि यहाँ आने वाला चैकती सब जगह से हार चुका हो, और सच्चे समर्पित भाव से, क्योंकि परमात्मा आत्मा का साथी है, इस मन का साथी नहीं है। मन तो ऊपरले मन तो हाँ भरा करे,
और आत्मा रो के हाँभरती है। वो रोगी जिस दिन हाँ भर के सच्चे दिल तक रो के कहेगा भगवान जीऊँ इतना आपकी भक्ति करूँगा और कोई इसके बाद बकवास नहीं चलेगी, पक्की गारंटी है, तो तुरंत सुनता है और रोज फर्क होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की समर्पण वो जब करेगा जब उसको ज्ञान होगा। अब तो किसी के कहने से आ गया चलो वहाँ ठीक हो जाते हैं, चलो वहाँ ठीक हो जाते हैं, टीवी पर देखा फलाने ने कहा मैं ठीक हो गया, तो वो ठीक हुए, वो झूठ नहीं बोल रहे, वो यही मिल जाएंगे आपने वैसे पूछ लियो घूमते फिरते। और जो नाम लेकर ठीक नहीं हो रहे वो क्यों नहीं हो रहे? सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, अनसमोज ना पावता तेरी चूक चाकरी मा। इसी कारण से उसको लाभ ना मिलेगा तो उसके अंदर कोई दोष है, उसकी कोई सेवा के अंदर समर्पण भाव में कमी है। और जब हम समर्पित हो जाते हैं तो हम समझ ले सभी पूजाओं को त्याग कर, सभी मर्यादाओं को त्याग कर एक मालिक के पथ पर परमात्मा के द्वारा बताए मार्ग पर चलेंगे, तब हम आन उपासना बंद कर देंगे तो हम एक परमात्मा पर आश्रित हो गए। हम पहले दादा ने कितने खसम बना रहे थे, फलाना देवता पूज लो, फलाना पूज लो, गुग्गा पीर पूज लो, फलाना पूज लो, हैं। और इब हम एक खसम बनाएंगे, एक मालिक, एक पति, एक स्वामी, कबीर भगवान। और जब आप हृदय से स्वीकार कर लोगे इस परम पिता को, और फिर देखना पति भरता जमी पर जो जो धर है पाव, समृत झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। कहते हैं ऐसा भाव में जब आप आ जाओगे, कबीर साहब के अतिरिक्त कोई भगवान नहीं हो आपके हृदय में, और अन्य किसी देव से झाड़ फूक कराने वाले से सपने में भी कोशिश ना करना, सोचना भी नहीं, तो आप पति भरता पद पा गए। कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में, विश्वास कर लिया तो मैं तेरे साथ हूँ, अविश्वास रखेगा तो मैं तेरे साथ नहीं हूँ, जैसा तू करेगा वैसा तुझे दे ही दूंगा। तो इस प्रकार यहाँ कमी नहीं रहेगी, कमी रहेगी तो आपकी कोई अपनी ही कमजोरी रहेगी, उसके निकालने के लिए ज्ञान सुनाए जाते हैं। तो यहाँ आने वाले व्यक्ति के दोनों हाथों में लड्डू हैं, यहाँ भी सुख, उम्र भी बढ़ जाएगी और पूर्ण मोक्ष, सदा के लिए सुखी हो जाओगे। अब इसके लिए हमने गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और क्या बताते हैं, ये ज्ञान होने के बाद आपको ऐसी स्थिति महसूस होगी, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वारे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू नहीं छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी, ये चार प्रकार के पशु पक्षी जलचर ये जो कीड़े हैं सभी ये चार खानी के अंदर आते हैं, चार विभागों में बांटा है प्राणियों को। चार खानी में भ्रमता कभू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। हाय हाय, इस शरण में आ जाने से, प्रथम मंत्र प्राप्त ही हो जाने से, पहली बात तो कि जो नाम ले लेंगे फिर काल का या मौत निकट नहीं आ सकती आपके। परमात्मा से परिचित वो महापुरुष भी कहते हैं, जब काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डर सी से। अब क्या बताते हैं, काल जो पीसे पीसना और जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। जोरा कहते हैं मौत को, क्योंकि पुण्यात्माओं इस अध्यात्म मार्ग के कुछ शब्द अलग होते हैं, तो इसमें समझना के लिए आप समझाया भी जाता साथ के साथ। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में उसमें लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय यतंती ते,
वो ब्रह्म तत्विदु ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म च अखिल च कर्मम के जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वहां जरा माने है वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु, तो वो तत्परम से उस परमात्मा से परिचित हो चुके हैं जो संसार की किसी और वस्तु की तरफ ध्यान जिसका नहीं जाता, भगवान जो दे दे उस पर सबर करते हैं और अपनी भक्ति उद्देश्य रखते हैं, और जरा यानी बुढ़ापे के कष्ट और मृत्यु के कष्ट से जो बचने का प्रयत्न कर रहे हैं वो उस भगवान से पहचान चुके हैं, सारे कर्म को पहचान चुके हैं। तो वहां जरा माने हैं मौत, वो जरा माने वृद्ध अवस्था, यहां जोरा बोला है कि जम जम जोरा जा से डरे, जोरा माने मृत्यु और काल के दूत। फिर यहां कहते काल डरे करतार से जय जय जगदीश, और जोरा ये मृत्यु जोड़ी झाड़ता यानी परमात्मा के जूते झाड़ता है, ये यानी नौकर असली नौकर है या मौत, और नौकर मालिक के हुक्म बिना कोई काम नहीं कर सकता। काल जो पीस है पीसना, पहले राजा लोगों के यानी नौकर पीसा करते थे, कहते ये काल यहाँ का किस ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म, ये तो सदगुरु कबीर भगवान का जो सोच लो पीसना पीसने वाला नौकर है जो सबके लिए व्यवस्था उससे करवा रहा है, ऐसे समझ लें यानी ये नौकर है उसके हुक्म से सब काज कुछ हो रहा है। और जोड़ा जोड़ी जोड़ा जोड़ा माने मौत, जोड़ी माने जूते झाड़ता है, और पगरद डार है शीश पैर के, परमात्मा के पैर के धूली को सिर पे लगाते। तो नौकर एक मालिक के बच्चों को हानि कैसे कर सकता है, तो आप हो गए उस मालिक के बच्चे जो शरण में आ गए। तो क्या कहते हैं काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, और जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डर सी से, काल जो पीस है पीसना और ये जोरा है पनिहार। अब दूसरे शब्दों में बता रहे कि ये काल यहाँ का जो सबको खाता है ये तो परमात्मा की चक्की पीसता है, और मौत भगवान का पानी भरती है, पानी भरना मतलब नौकरानी हुआ करती थी राजाओं के, और ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार, गरीबदास जी बता रहे हैं। तो आप उस परमात्मा की शरण में आ गए हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि सतगुरु के उपदेश का अब लाया एक विचार, और जय सतगुरु ना मिलते तो जाते नरक द्वार, नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, अब आप ना पकड़ के कोई कुएं में गिरना चाहे क्या खुश होके गिर जाओगे, पूरे हाथ पैर मारोगे चिल्लाओगे और बैक मारोगे जितनी आपकी पार बसाओगी, तो वहाँ तो नरक भी कुआ भी हाहाकार माच रही, उनके पीटे जा रहे हैं, कोई सड़ रहे हैं, कोई कौवे नोच रहे, और उस खड्डे में उस गड्ढे में आपको फेंकने के लिए ले जाते समूह के समूह को, हजारों की संख्या में यम के दूत भाले ले रखे होते हैं। ये जो शरीर है आपका ये तो ऊपर का कुर्ता पजामा है, असली शरीर तो अंदर है, इसके इसको सूक्ष्म शरीर कहते, उसमें प्राणी मरता नहीं लेकिन दर्द बहुत होता है। तो ये भूत प्रेत उस सूक्ष्म शरीर में घूमते हैं, वो आपको नहीं दिख सकते, और वहाँ वो शरीर होता है, उसको फिर जब आदेश हो जाता धर्मराज से, धर्मराज के यहाँ से न्यायाधीश से, जाओ इसको इसको नरक में, इसको स्वर्ग में, इसको कधे की योनि में, इसको कुत्ते की योनि में, वो तो फटाफट चले जाते हैं। यम के दूत जब उसको लेकर चलते हैं पूरे टोल के टोल को, जैसे डांगर पशुओं को फाटक में रोकते समय वो वापस भाजन गलठ मार मार के अंदर ठोकिया करें, तो वो सतिथि होगी वहाँ पर उन प्राणियों की जो सत भक्ति नहीं करते या नकली संतों से नाम लेकर भक्ति करें, सतगुरु ना मिला जिनको, यम के दूत उनको आगे को ले जाएंगे और वो वापस भाजेंगे, उसमें कौन गिर राजी खुशी, तो उनका सीधे भाले ठोकेंगे दे लटकित लागो, और उनको फिर धक्के से ठोक कर उसमें और फाटक बंद कर देंगे। तो यहाँ बताते हैं नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता, और उसके बाद नरक भोग के फिर कहाँ, फिर 84 लाख योनियों में चार खानियों के अंदर फिर आता, चार खानी में भरमता और कभू न लगता पार, ये फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अपरमात्मा के इस मंत्र को लेने से
मर्यादा में रहकर भक्ति करने से आपका कितना पहाड़ से भी बड़ा दुख टल गया, बाईपास निकाल दिया आपने यदि मर्यादा में रहोगे तो। अब क्या कहते हैं परमात्मा कि सतगुरु के सजदे करूं कर्म छुटाए कोटि, और जो सतगुरु की निंदा करे उनके यम तोड़ेंगे होठ। कि ऐसे संत ने जो इतना उपकार किया, इतना निर्मल मार्ग, अरे से पहाड़ से भी भारी दुख जीव के बचा रहे हैं, और यहाँ इस जीवन में भी करोड़ पापों से आपको बचाया जा रहा है। बीड़ी मत पीना, शराब ना पीना, मांस मत खाना, भाई किसी की आत्मा ना दुखाना। अब आपको इतनी दया और ज्ञान होगा भगवान का, तो फिर आप इन पापों से बच के सारा दिन भगवान की भक्ति करते हो ना, बैठ के गप्पे मारो, कि तो ताश खेलो, कि तो राजनीति की बतलाओ, कि तो सिनेमा आँख फुड़वाओ बैठे बैठे। अब कितने बाईपास निकाल दिए, कितने कर्म छुटवा दिए आपके बुरे। कहते हैं सतगुरु के सजदा करूं कर्म छुटाए कोट, और ऐसे सतगुरु की जो निंदा करें फिर यम यम के दूत उनके होठ तोड़ेंगे, यानी ऐसा पीटेंगे कि तलागो। होठ तो नाजुक होती हैं, कोई बालक ना धमकावे तो उठा पर ना मारा करे, एक आधा थप्पड़ चट्टू कमरे में मार ले। कहते वो होठ भी फूटेंगे तो इन सोच लो बेरहमी से पीटा गया वो, तो कहते वहाँ इतनी पिटाई होगी आपकी ऐसे महापुरुष की जो निंदा भी करते हैं। और फिर क्या बताया है, सात समुद्र की मसी करूं लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। अब क्या गुण लिखेंगे उस ऐसे महापुरुष के जिसने ऐसे संकट से बचा दिया। एक कुत्ते का जीवन लिखने लग जाओ, जन्म होते वो क्या खाना शुरू करता है, कहाँ रहता है, गर्मी कितनी जोर की धूप पड़ती है, बाहर बिलख रहा होता है, सर्दी पट गिरती है, ऊपर से वर्षा भी होने लग जाती है, और वहीं गींडली सी मार के इकट्ठा होकर नुपड़े उपड़े नुकर रहा हूँ अरे ये पहले आंटी पा कर रहा था मनुष्य बना हुआ, जो भगवान कदे सोची भी कोई ना यह भी बनेगी तेरे साथ। तो ऐसे दुखों से जिसने बचा दिया, और फिर खाना क्या खाता है, वो सोता उठते ही जाता है किसी, क्योंकि मैं कहा उसने रसोई में भोजन की, तो पहले द्वार में नहीं देखा, कोई देख तो नहीं रहा, फिर सीधा जाएगा रसोई की तरफ जहाँ मैं कह रही है उसने। अब रसोई में कौन घुसने दे उसके, को लठ मारेगा, जो हाथ में आ गया वो ठोका पहले तो उसके, जो रसोईये में घुसने की कोशिश कर रहा बाहर खड़ा रहा, तुमको टूक मिल भी जा पर इतनी उसमें संतोष नहीं रहता, भूखा मरा सूता सारी रात कुर्राया बैठ के भौंक्या भी मतलब, तो ये दुर्गति होगी। और वहाँ लगे लठ, फिर वो थोड़ी देर तक चिल्ला होगा, फिर शायद दूसरे घर की तरफ ताकेगा कि शायद यहीं दाव लग गया। अब दूसरे घर में जब जाता है वहाँ उसके भाग को जूत मिला कि टूक मिले, जब वहाँ भी लठ लग गया तो फिर वो खखाट उठा है बाहर जाता जंगल में, उसको पता कि वो मार नहीं खाई जाएगी, फिर क्या खाता है वो टट्टी खाता जा करके। ऐसी हालत हमारी होनी थी, और इस नाम से और इस भक्ति से और इस पंडित छोड़ की दया से आप इन सब से बाईपास निकल गए। तो कहते फिर क्या गुण लिखे इसे महापुरुष का, इसे भगवान का, सात समंदर की स्याही बना दूँ इंक, और पूरी धरती का कागज बना लूँ, सारे वृक्षों की कलम बढ़ा कर रख लूँ, और फिर लिखन लग जाऊँ ये भी घिस जा समा, तो समुद्र भी खत्म हो जा, पृथ्वी जितना बड़ा कागज भी थोड़ा पड़ जा, उस गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। अब फिर क्या बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध, वो है दुखी संसार में फिर आग काढ़ के फंदे। कहते हैं ऐसे महापुरुष को एज ए तुम मनुष्य ट्रीट करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। उसके लिए परमात्मा क्या कहते हैं कि गुरु माँ गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। कि गुरु को परमात्मा जानकर
आप व्यवहार करना। अपने आत्मा एक सीधी सी बात है, जैसे ये दास परमात्मा ने भेज दिया तो दास वो परमात्मा नहीं है जिसकी आपको चाह है, लेकिन इस दास को एज ए गॉड ना मानोगे, भगवान की तरह नहीं मानोगे तो वो भगवान नहीं मिल सकता। अब जैसे एक गणित का एक प्रॉब्लम आती है, गणित में एक प्रश्न आता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, बाकी दर भी टाइम भी सारा कुछ दिया होता है। तो उस मूलधन तो अरबों खरबों में होता है, अरबों खरबों का अमाउंट कई करोड़ रुपए का होता है, तो उस कई करोड़ अरब खरब के मूलधन को जानने के लिए आपको मानना पड़ता है, सपोज मूलधन इज 100 रुपीज, जो मूलधन है वो 100 रुपये, मान लो मूलधन 100 रुपये मानकर हम सवाल निकाला करते, प्रॉब्लम हल करते थे, तो वो प्रश्न का हल ऐसे ही होगा ना, हो ही नहीं सकता। लेकिन वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो मानना पड़ेगा, तब उससे वो दर निकलेगी और उसके बाद फिर कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं। वो ओरिजिनल मूलधन तब प्राप्त होता है, तब हम सफल होते हैं। इसी प्रकार आप जी ने इस दास को मानना पड़ेगा, मान लो रामपाल भगवान, रामपाल वो भगवान नहीं है, और इसको एज ए गुरु ट्रीट करके, एज ए गॉड ट्रीट करके आपने अपनी आदत सुधारनी है। क्योंकि जब आप यहाँ से जाओगे, यहाँ से चलते ही गुरु का रोल, आप पहले भी रोल है फिर भी आपके साथ रहेगा, इस दास के रूप में आपका नीचे से गणेश जी के दरबार से अकाउंट क्लियर कराता चलेंगे। यानी आप जब यहाँ से चलोगे तो ऑटोमेटिकली आपके रास्ते साफ पाओगे, जैसे स्थान स्थान पर वो खड़े होते हैं, चौराहे पर सिपाही होते हैं ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए, ऐसे जब आप संसार छोड़ कर चलोगे आपको आप बताते चलेंगे, आप इधर जाओ आप इधर जाओ, तो आप गणेश जी के उसमें जाओगे, वहाँ जाते ही आपको क्लियरेंस चिट मिलेगी, अग जाइए जी आप जाओ, क्योंकि आपकी भक्ति ऐसी बन जाएगी, उनसे आप ऋण मुक्त होते चले जाओगे। फिर आओगे स्वाद चक्र में, यानी सावित्री ब्रह्मा के दरबार में, तो वहाँ भी आपको क्लियर चिट मिलेगी, आप जाओ जी आपका काम पूरा, क्योंकि परमात्मा पहले करवा के जा चुका होगा इस दास के रूप में। और फिर आगे जाके बैठ जाता त्रिकुटी के ऊपर, जहाँ मालिक का यहाँ इस ब्रह्मांड में एक मूल स्थान है, ऑफिस है, कार्यालय है। जैसे प्रत्येक देश में प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, तो इस दास के रूप में आपको परमात्मा उस त्रिकुटी पर मिलेगा। तो फिर आप जाओगे नाभि कमल में, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का दरबार है, वहाँ आपको फिर वहाँ से अकाउंट क्लियर लेना पड़ेगा, वो भी चिट आपको तैयार मिलेगी, नोट ड्यू सर्टिफिकेट। फिर आप आओगे हृदय कमल में, विष्णु पार्वती और शिव का जो दरबार है, फिर वहाँ से आप चलोगे, और फिर आओगे आप कंठ कमल में, दुर्गा का स्थान है, वहाँ से भी आपको क्लियर चिट मिलेगी। फिर आप पहुँचोगे त्रिकुटी पर, त्रिकुटी पर जाकर के फिर तीन रास्ते बन जाते हैं, उसको त्रिवेणी बोलते हैं, इन्हें कख भी नहीं पता त्रिकुटी पर। ये राधा स्वामी वाले कहते हैं, हमने कोई जरूरत नहीं वेद ग्रंथों का किसी को, हम नीचे के भगवानों से हमने कोई लेना देना नहीं, हम तो सीधे त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं। त्रिकुटी को बरवाड़ा का बस स्टैंड है, वहीं पहुंच जाओगे त्रिकुटी में, वाह भाई वाह। त्रिकुटी तक पहुंचने के लिए बहुत जोर लगेगा तुम्हारा, 7 जन्म भी नहीं, 100 जन्म नहीं पहुँच सकते इन साधनाओं से। पाँचों काल नाम के जानो, पाँचों काल के नाम जाप करते हो, साधना कोई है नहीं, गुरु तुम्हारे हैं ही नहीं, क्योंकि जो राधा स्वामी के मुखिया थे शिवदयाल जी, उसका कोई गुरु नहीं, और वो भूत बनकर अपनी शिष्य में बोल रहा है, जैसे हम भूत बोलते हैं यहाँ पर, आप देख लो किस किस के अंदर बातें करते, ऐसा वो बातें कर रहा है वहाँ पर। तो कहने का भाव ये है कि त्रिकुटी पर जब आप पहुँचोगे तो वहाँ इस दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे, और जैसा व्यवहार विचार आपका यहाँ है और जो डिमांड आप यहाँ लेकर मर रहे हो, तो वहाँ जाके फिर नहीं मांगोगे कोठी चाहिए जी कार बन जाए, तो परमात्मा कहेंगे जाते नीचे तू कार कोठी ले, वापस भेज देंगे। तो ये भी आपने आपकी इच्छा यहाँ से इसलिए हटाई जाती है कि केवल ये मांगो, साई इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे,
हम भी भूखे न रहे, अतिथि न भूखो जावे। बता फिर क्या रहे क्या मांगने। कुटुंब समान का अर्थ है परिवार की रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। अब रिक्वायरमेंट अगर आपने कोई मोटरसाइकिल की आवश्यकता है तो वो भी देगा भगवान, अवश्य देगा। अगर आपको कार की आवश्यकता तो कार भी देगा, ये गारंटीड समझ लेना। अब जिसने जाना है खेत में वापस आना, बताओ उस वो क्या करेगा हेलीकॉप्टर का, वो तो बेवकूफ मतलब की बकवाद कर रहा है। तो इस तरह की और फिर कहने अभाव, ये मान ले कार मिल गई जब के कौन सा तो देवता बन गया, निर्धन भक्ति कर रहा है, मजदूर भक्ति कर रहा है। भक्ति भगवान को प्यारी है, भगत भगवान को प्यारा है, तो भक्ति करनी पड़ेगी। किसी ने सुविधा है ऐसे जाने में तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो ले लो वो दे देगा। लेकिन एक मजदूर ने कहा मैंने कार चाहिए, उधर कार ने शर्म मारा कसी ठा के तेरे जाके वहाँ खड्डा खोदना, कार ने क्या करेगा। हाँ भक्ति दोनों ही करोगे दोनों ही मुक्त होंगे, एक भक्ति दोनों ही सफल होगे, वो कार में घूमने भी सफल होगा और मजदूर भी को भी वही पद मिलेगा जो उस कार में बैठे हुए को मिलेगा। तो हमने तो वो चाहना है, यहाँ की वस्तु चाहिए नहीं आपको। तो इस प्रकार जब इस तरह की भावना आपकी हट जाएगी तो वहां त्रिकुटी पर एग्जाम होगा आपका, जैसा व्यवहार जैसा विचार आपका यहां इस दास के प्रति है भगवान देखता रहता है। कहते मौला बैठा मोरचे और देखे जन की भेड़, दवा दस कोट जन्म की कृतहा एक नाम की खेड़। अब जैसे यहां आपको तरीके बताए जाते हैं उदाहरण और एग्जाम्पल दे दे के कथा सुना के कि परमात्मा जब तपतशिला पर आए काल के इस लोक में, तो धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि जब मैंने उस काल को ये कहा, परमेश्वर कबीर जी बता रहे हैं कि जब मैंने उस काल को ये कहा कि मैं नीचे जाऊंगा और सब जीवों को बताऊंगा तू भगवान नहीं है और सब गलत मंत्र जाप कर रहे हैं, उनको यथार्थ ज्ञान दूंगा, यथार्थ मंत्र दूंगा और सब जीवों को पार करके सतलोक ले जाऊंगा, आपने तने बहुत दुखी कर दिया इनको भगवान की आत्माओं को। तब वो काल इतना ताकतवर है कि मेरे ऊपर झपट्टा मारा मारने के लिए, तो मैंने सतनाम का जाप शुरू कर दिया और जो ही मैंने सिमरण किया श्वास से ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पाख कट जाती है। तो कहने का भाव ये है कि जब आप पर कोई आपत्ति आती है, प्रथम मंत्र मिला है तो उसको उसका सिमरण कर दिए शुरू, और सेकंड मिला है सतनाम तो सतनाम का सिमरण शुरू कर दीजिए, सारनाम मिला है तो वो तो कहना है क्या है वो सिमरण कर दीजिए। तो तीनों ही एक जैसा प्रोटेक्शन करेंगे यहाँ की आपदाओं में। तो यहाँ परमात्मा हमें बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ हमें बताना चाह रहे हैं कि जब कोई भी आपत्ति आवे तो अपने श्वास का सिमरण आपने शुरू कर देना चाहिए और उस श्वास उस केंद्रित जैसे मौला बैठा मोरचे और देखे जन की भेड़, भेड़ माने भिड़ंत यानी किस तरीके से ये लड़ता है। जैसे एक सैनिक है और उसके पास बंदूक है गन है, अब वो गन न छोड़ के और पत्थर ठाको मारन चल रहा है तो किसा क्या कल उसके अंदर। तो आपको ये सतनाम ये नाम की एक बंदूक दे रखी है, हथियार दे रखा है इस काल के दूतों के साथ लड़ने के लिए। अब जब आपके ऊपर आपत्ति आती है, यम के दूत आते हैं, चाहे परमात्मा लिखा गरीबदास जी लिखा है कि वो परमात्मा आपकी हर गतिविधि देखता भगत की और आपको ये भी देखता है कि वो किस तरह से उनसे निमटेगा काल के दूतों से। कहते 12 करोड़ यम के दूत, 4 दूतों की तो बात ही छोड़ो जो तुम्हें लेने आते हैं, अगर 12 करोड़ यम के दूत सामने खड़े हों और आपने एक सिमरण कर दिया, वो 12 करोड़ न्यू पड़ेंगे जाके एक दूसरे को ऊपर उथलते भागते नजर आओगे, न्यू मैदान साफ कर जाएंगे। अब कहते हैं मौला बैठा मोरचे, मौला माने वो परमात्मा अपने स्थान पर देखे और आप बैठे मौला बैठा मोरचे देखे जन की भेड़, जो मोर्चे में भक्त बैठा है यानी मोर्चा है हमारा हर काल का ही, उसके साथ हम लड़ रहे हैं संघर्ष कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं सिमरण कर रहे हैं। और कहते हैं उस जैसे आपत्ति आती है उसमें अपना सिमरण शुरू करो दाता का सब बातें भूल के, और वहाँ नो कह हरी माँ मुर्गा बचाइए तो कहेगा भगत अब। तो परमात्मा ये देखता है कि वहाँ आप कैसे कौन सा फार्मूला अपनाओगे,
तो वो तरीके आपको यहाँ बताए जाते हैं। तो वहाँ एग्जाम होगा त्रिकुटी बजा का आपका। तो यहाँ परमात्मा कहते मौला बैठा मोरचा देखे दिन की भेड़, आपकी लड़ाई देखता है, भिड़ंत देखता है, जो कैसे मुकाबला करता है, बंदूक धर के पत्थर उठाता है या बंदूक दिखावा है, तो फिर आधा फर्क पड़ जाए बंदूक दिखाते हैं। तो सिमरन स्वरूप नाम के सिमरन से संकट टलेंगे। और कहते हैं दवा दस कोट जम जम किंग कर जहाँ, बारह दूत यम के दूत सारे के सारे आपके सामने आ जाओ, और एक नाम की खैड़, खैड़ माने टक्कर नुमा रह रहे सब क्यों गिरता चल है, तगड़ा आदमी होता है। तो ऐसे वो मंत्र की इतनी ज़बरदस्त शक्ति है, क्योंकि ये ज्ञान जो बोला गया था सिंपल और अनएजुकेटेड व्यक्ति थे, उनको सिंपल लैंग्वेज में समझाना था, तो वो परमात्मा आपकी भिड़ंत यानी आपकी अक्सर साइज देखता है कैसे कर रहा है। तो वो जैसे इस दास के साथ आप व्यवहार जैसे आप यहाँ तो डिमांड करते हो, तो धीरे धीरे देखो प्रथम बार को भक्त आता है उसको तो कंपलसरी है, वो तो मांग गएगा और ये भगवान देगा ही देगा, इसके घर में कोई घाटा है कोई नहीं। ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि तू क्या मांग रहा है उतना मांग ले जितनी तुझे ज़रूरत है, और बाकी भगवान पर छोड़, उसने क्या पता नहीं मेरे बच्चे को क्या आगे आवश्यकता है, आगे तैयार खड़ा पाओगा आपके आपसे पहले खड़ा मिलेगा, इसको किस चीज़ की आवश्यकता है। पति भरता जमी पर जो जो धर पाओ, समृत झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। तो आप उसके हो गए तो फिर आपके जीवन रूपी सफर में झाड़ू लेकर कहते हैं मैं उसका दास हूँ। दास किसे कहते हैं, गुलाम को। भगवान दास भी पीछे रह जाए लेकिन भगवान आपकी पुकार से सुनते ही आगे खड़ा पाओगा, और उसको पहले भी खड़ा पाएगा कि मेरा बच्चा आ रहा है, और साफ कर दो कि देश के संस्कर्म के कांटे ना चुभ जाए। तो इतना आपने इस मालिक में समर्पित होना पड़ेगा पतिव्रता की तरह, तब वह लाभ होगा। जब आप त्रिकुटी पर पहुँचोगे, अब जैसा भाव आपका यहाँ है, जैसे सोपन में फिर ऐसे करते हैं, जैसा आप अपने जागृत जीवन में कर रहे हो दिन में, ऐसा ही आपका फिर सोपन होगा। ये स्वप्न दिन में कोई केले बेचे रेडी लगा के बाजार में, वो करता ले ले दस के बीस, दस के बीस, दस के बीस, आठ के बीस, आठ के बीस, ऐसा नहीं मिलेगा। तो सपने में फिर वो नहीं बोलेगा ले लो दस के बीस, दस के बीस। तो अब जैसा रिहर्सल आप यहाँ कर रहे हो, जब आपकी मृत्यु होगी आपको सोपन होगा, और उस सोपन में आप जो यहाँ कर रहे हो वही वहाँ बोलोगे जाके भगवान के दरबार में, भगवान के सामने। तो इसलिए पहले देखो, ये तो मालिक है, आपको टाइम देगा पूरा, आपकी उम्र बढ़ाओगे जब भक्ति नीत रखोगे तो, और तब तक आपकी यहाँ की संसारिक सुविधा भी सारी सेट कर देगा, क्योंकि उसको मालूम है ये जीव है, और कितना ज्ञान सुना ले जब तक, अब सीधी सी बात है जब तक पैर में काटा है इतना कितनी सलाह दे ले जूता पैर ले, जूता पैर ले, कतई नहीं पैर सकता वो, तो काटा काट निकालना ही पड़ेगा जब जूता पुराना है। तो ये दास आपसे भक्ति करावेगा तो आपके ये कर्म के काटे ये दुख जरूर दूर करेगा, ये गारंटीड समझे। तो उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सीते सौ घड़ा रितुवाएँ फल हो। फिर गुरु मानुष कर जानते गुरु बिन माल, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं हैं अंध, ओ है दुखी संसार में फिर अग काल के फंद। परमात्मा आपको त्रिकुटी पर मिलेंगे, वहाँ जाते आप समर्पित हो, जैसे दंडवत करोगे तो देखोगे मुँह की तरफ, और परमात्मा जिधर जाएंगे आप पीछे पीछे वहीं भाग लोगे, वहीं साथ जाओगे, तो वहाँ आपको धर्मराज के दरबार में ले जाया जाएगा। गेल जाएंगे दत्ता साथ में इस दास के रूप में। भाई कर ले गुरु वकील मुकुदमा भारी है, परमात्मा सब तरह की सलाह देते हैं कि गुरु आपके एज ए एडवोकेट का भी काम करेगा उस धर्मराज या न्यायाधीश के दरबार में, जो यहाँ का चीफ जस्टिस है 21 ब्रह्मांड का। तो वहाँ साथ जाएंगे दास के रूप में परमात्मा, और उनको कहेंगे कि सर निकालो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 को, ये विधान है भगवान का, सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयामुक्षामी मा शुच। वो किताब खुल जाएगी गीता वहीं पर कि इस तेरे भगवान की बोली हुई है ये, इस ब्रह्म की, और देखो ये क्या कहता है कि मेरे सत्र के सब पूजा मुझे दे दो और फिर तुम जाओ
अब जी छोड़ो इसको, ये ओम नाम का जाप जो सेकंड सतनाम में जो सेकंड मंत्र जो आपको दिया जाता है उसमें प्रथम जो मंत्र है सतनाम दो अक्षर का, जो पहला अक्षर का मंत्र है ये ब्रह्म का है ओम, इसकी कमाई वहाँ दे देंगे फिर वो ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे, आ जाओ जी आप फिर। और फिर जो दूसरा मंत्र है सतनाम का दूसरा अक्षर है उसकी कमाई फिर अक्सर पुरुष के लोक में देंगे जाके, वहाँ भी आपके साथ रहेगा परमात्मा इस दास के रूप। और जब फिर बार ग्यारहवा द्वार पार किया फिर बारहवें द्वार को पार करके तब सतलोक में जाया जाएगा। ये ग्यारहवा द्वार कोई दसवें द्वार तक अटक रहा है, एक न कि ग्यारहवीं खिड़की पट सुन ली अधूरा से अधूरा, ये तो नीम हकीम ये मधु परमंश रांझडी वाला गर्मी खिड़की आ गई किसे नहीं पाई आज तक, ये थे काल के दूत। और परमात्मा को पता था कि इन मेरा संत धोएगा जाके सारे की पोल पाट देगा, तो वो बारहवा द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश करेंगे और तब वहाँ चले जाएंगे जहाँ लौट कर कभी नहीं आते। तो परमात्मा की भक्ति और साथ में गुरु का यूँ सहयोग आपको सदा बनाए रखना पड़ेगा। गुरु को सिर पर राखियो, गुरु सौंप्या सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश नितानंद इस शीश पर, आप बसे जगदीश। कोटि जीव कोटि शीश तन दे लिए, जमराजा की फेंट एक शीश दे के देख ले, सतगुरु अपने की भेंट। कहते इस काल को तने असंख्य शीश दे दिए, क्रकित बेमौत मारा तेरे को, और एक शीश गुरु को देकर देख सतगुरु को। शीश देने का मतलब ये नहीं काट कर दर देना। एक गुरु शिष्य थे और गुरु उनको पढ़ा करते थे, बेटा गुरु की आज्ञा का पालन होना चाहिए, गुरु को भगवान के तुल मानना चाहिए। एक दिन उस गुरु ने परीक्षा लेनी चाहिए और कहा कि भाई आज मैं आपसे एक आदेश करता हूँ। पांच सात भगत थे गुरु चेले, तो सब चेले कहने लगे जो आदेश हो गुरुदेव के भी मेरे सिर में पांच पांच जूते मारो। अब पांचों के पांचों सुन हो गए तो फिर वो याद दिलाते हैं कि गुरु की आज्ञा का जो पालन नहीं करते वो शिष्य फेल होते हैं भाई देख लो। और तो उठे नहीं, एक खड़ा हुआ अपना जूता निकाला गुरुजी के चरणों में बैठ के अपने सिर में मारे पांच पट्टा पट। गुरुजी बोला भाई डांडी मत मारे, तेरे सिर में नहीं मेरे सिर में कहा था मैंने मेरे मार। तो उस विवेकशील चेले ने कहा जी ये दास का शीश भी तो आपका ही है। तो कहने का भाव ये आपने ऐसे समर्पित और विवेक से होना पड़ेगा, तब गुरु बिना आपका मोक्ष नहीं। और गुरु आपको मिल गया, आप कल्याण कराओ अपने परिवार को लाओ और जहाँ तक संभव हो सके इस ज्ञान को फैलाओ, बहुत बड़ा परोपकार होगा आपको, विश्व का कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, ध्यान से सुनना, ये बार बार समय नहीं मिलता बच्चों। या एक एक अक्षण आपका बड़ा कीमती बहुमूल्य है जो भगवान आपको यहाँ लाए हैं। ना यहाँ आना कोई बच्चों का खेल है, बगैर परमात्मा की रजा से आप इधर मुंह भी नहीं कर सकते। स्पेशल लाया आपको, चाहे कुछ भी कारण बनाया, चाहे दुखी करा चाहे सुखी करा, आपको ऐसे स्थान पर ला कर बैठा दिया। अब चर्चा सुना करो, एक एक शब्द को ऊपर विचार किया करो, अब सुनिएगा वो भक्तों के अनुभव।